अपनी मनपसंद फिल्में देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा मूवी पार्लर, बेल आइकॉन को दबाएं। मुंबई की एक चाल में तरह तरह के मध्यम वर्गीय परिवारों के बीच दिन रात दूसरों की सेवा करते हुए सीढ़ी के नीचे रहते हुए जिस अनाथ नौजवान ने जीवन में सफलता पाई उस भोले भाले भोला की ये कहानी है। ये भोला कहाँ चला गया? सुबह से दिखाई नहीं पड़ा। मैं भी भोला को ढूंढ रही हूँ, न जाने कहाँ चला गया। भोला, रेनो, तुम भी भोला को ढूंढ रही हो? हाँ नीला मौसी, पिताजी सुबह से अखबार के लिए चिल्ला रहे हैं, कहते हैं जब तक अखबार नहीं मिलेगा चाय नहीं पीऊंगा। अजीब मुसीबत है। अयो रामकृष्णा, हाँ भोला कुठे गेला? मेरा ट्यूशन पर जाने का टाइम हो गया, अभी तक स्त्री का कुर्ता नहीं लाया उसने। लाने गया है, यही लाता। कब आएगा? जेल डाले कुर्ते के लिए। भोला आ गया, भोला आ गया, मामा 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 अरे भोला आई गयो, बड़ी देर कर दियो रे, तू तो कब का बाजार गया था? क्या करूँ माँ, आजकल बाजार की हर दुकान भेंडी बाजार हो गई है, काफी भीड़ भड़क का। ये लीजिए, ये मक्का, इसमें दो रतल मिर्ची है और दो रतल हल्दी। अच्छा। अब जरा मुझे है जल्दी। अच्छा जा जल्दी जा। क्या मच जोर माथी खाबो ना खाबो ना खा। चटनी दादा, ये आपके लिए इन जी, और ये कोरा कागज। बेश भोला, तुमने बहुत अच्छा किया, कोरा कागज को लिख के हम काला करेगा और सुंदर सुंदर फिल्म स्टोरी लिखकर जेमिनी, बियर चोपड़ा, वाहिनी सबको बेचेंगे और थोड़े ही दिन में बहुत बड़ा राइटर बनेंगे। भोला रे दादा, अगर हम तौकदीर से कभी फिल्म का प्रोड्यूसर बन गया ना, तो आपका स्टोरी जरूर खरीदेंगे, लेकिन सुन के। हाँ हम जरूर सुनाएंगे। बोधी, ये रहा आपका दिल पसंद चावल, बहुत पुराना वाला जूना वाला है। भोला तू कत तो भालो रे, तू बहुत अच्छा है। भोला बोधी, अमित चोली। एसो बाबा। दादा जरा बाजो। खांसी वाले दादाजी, ये लीजिए आपकी दवा, पी लीजिएगा। बोला, एकादशी कब है? मुझे क्या मालूम माजी के एकादशी कब है, वैसे जब खाना न मिले तो समझो तब एकादशी है। मेरे लिए तो हफ्ते में तीन चार बार एकादशी आती है। बकवास बनकर बता, एकादशी कब है? पत्र के हिसाब से कल। कल? हाँ माजी, तरकारी इसमें सब कुछ है, हरा मसाला भी है। कुर्ता कहाँ है? मेरा कुर्ता कहाँ है? ऐसे
काय भानगड़ा है? आप जब देखो तब फिल्म की मिसाल देती हैं। आप सीधी तरह से बात करिए ना ताकि मेरे भी समझो कुछ आए। भोला भोला जी, मेरा स्त्री का कुर्ता कुछ है। ये गया तुम क्या स्त्री का कड़क कुर्ता? हाँ ये बात बनी ना। वाह वाह वाह, ये समझते हैं इनकी संगीत कला इनके कुर्ते में छुपी हुई है। जैसे फिल्म बहुत दिन हुए मैं विलन की जान तोते के अंदर छुपी हुई। भाई फिर से फिल्म? हाँ ठीक है, रहने दो रहने दो। रमला कुट दा काला रमला। बोला पंजाब मेल का बाता है। बुजी पंजाब मेल का मेनू। बाबू जी पंजाब से कौन आ रहा है? मेरी लड़की गौरी आ रही आगरे से। क्या टाइम है उसका? वैसे वो तो कभी करेक्ट टाइम पर आती है ट्रेन, कभी लेट हो जाती है, लेकिन टाइम है 12:20। पक्का? पक्का या कच्चा ये तो आपको स्टेशन जाने के बाद पता चलेगा। दिल्ली से आने वाली गाड़ी 3 नंबर के प्लेटफॉर्म पर आएगी। बोला आज कॉलेज का टाइम टेबल क्या है? मुझे क्या मालूम, आप इनसे पूछिए ना। अरे होटल को क्या मालूम, इसी में सिर्फ होटलों के मीनू याद रहते हैं। बोलो ना आज का टाइम टेबल क्या है? सुबह पहले फिजिक्स, उसके बाद में प्रैक्टिकल, और फिर शाम में लोटस सिनेमा के अंदर कड़ी पतंग। ये जो मोहब्बत है, हम क्या रोज पिक्चर देखने जाते हैं? रोज किसने कहा, मैं तो कहता हूँ आप लोग सिर्फ हफ्ते में 7 बार पिक्चर देखते हैं। तू तो जैसे रोज पढ़ता ही रहता है ना। रेनू जी ये देखिए मैं आपके लिए क्या क्या लाया हूँ। जासूसी कारनामे में जासूसी दुनिया। अरे ये किताब तो मैं कितने दिनों से ढूंढ रही थी, अच्छा क्या तू लेकर आया? लेकिन रेनू जी ये सब किताबें मैं पहले पढ़ चुका हूँ। मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊं? सुनिए, जासूस और हीरो के अंदर फाइटिंग होती है। मुक्केबाजी, जासूस आगे आगे भागता है, हीरो पीछे पीछे भागता है, और दोनों भागते भागते 20 माले की बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाते हैं। मत सुनाना, मुझे पढ़ने में मजा। आगे सुनिए, बिल्डिंग पर पहुंचने के बाद जासूस खड़ा हो जाता है, और उसके बाद वो अपनी जेब में हाथ डालता है, तो हीरो समझता है कि वो शायद सिगरेट की पैकेट निकाल रहा है, लेकिन नहीं, वो अपनी जेब से सिगरेट की पैकेट नहीं बल्कि बंदूक निकाल रहा था। बंदूक नहीं, बंदूक, बंदूक। हाँ बंदूक, बंदूक। और बंदूक निकालने के बाद वो हीरो की तरफ टर्न करके डाका डाका। आपने मुल्क में जितनी फिल्में बनती हैं या नावले लिखते हैं, हाँ? उसका हीरो कभी मरा? नहीं तो? मरे उसका दुश्मन, हीरो ने गोली पहले ही निकाल ली थी। मेरा हीरो बच गया मेरी जान बच। लेकिन अब सुनिए फाइनल क्लाइमेक्स, हाँ? जो सबसे बड़ा सस्पेंस है, स्विमिंग पूल के अंदर भैंस के साथ हीरो की लड़ाई। अरे तुम मत बोलना, मेरे पढ़ने में मजा नहीं आएगा, तुम मत बोल। अच्छा ये लीजिए आपकी तरकारी। अरे तू प्याज क्यों लेकर आया? प्याज इसलिए कि आज मार्केट में सस्ती थी, बाबूजी को प्याज के पकोड़े बहुत पसंद है, बना के खिला देना। भोला मुझे हजामत करानी है, कौन से सैलून में जाऊँ? आपको हजामत रोकड़ी करानी है या उधार? आज उधार। आ उधार तो आज मंडे है, सब दुकानें बंद है। पता नहीं किस अंडे से मैंने पूछ लिया। भोला मेरी सिगरेट लाया? सिगरेट बाबूजी, बाबूजी दुकान वाले ने आपका खाता बंद कर दिया। तो आपने खाते में ले आता? मेरा खाता कहाँ है बाबूजी? तो मैं क्या करूँ, मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम के लिए मैं आपके लिए सिगरेट लाया हूँ, लेकिन वो मोटे भाई के खाते पर। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। मारे ते कामड़े एक बार आओ जो अंतर नादार कहो क्या रे उघाड़ छो। बोला बोला मेरा हस्बैंड लाया बाबूजी, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको पहले अखबार देना भूल गया। ठीक है ठीक है, और देख ये कल का अखबार नीचे दीनदयाल जी को दे देना, वो धन्यवाद देंगे, वो धन्यवाद तू ले लेना। धन्यवाद मैं ले लूं? अच्छा बहुत जल्दी, ये अच्छा है। अखबार के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं दीनदयाल जी और पढ़े मक्खन लाल जी। चलो अपना तो काम हो गया, कॉलेज चले। बम 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 बम। अरे मेरा पैसा आगे से पीछे कैसे चला गया? अपने कल्चर से पूछ। अरे वाह, क्या मेरे कल्चर के पैर निकल आए जो आगे से पीछे चला गया? अरे हमें क्या मालूम, हम तो इतना जानते हैं कि हम 2 घंटे पहले यहाँ आए हैं, तुम 2 घंटा पहले यहाँ आए हैं, और मैं 10 बरस पहले इस चाल में आई हूँ, याद रखना भूलना मत। अरे वाह, ऐसे हुक्म जमा रही है जैसे सिर्फ पैसा या प्यार में किसी तरह हुक्म जमा रही थी। क्या हंगामा मचा रखा है, जब देखो शोरगुल। आइए आइए, आना के वारिस आगे की समिति नीचे आइए नीचे। तो मैं कह देती हूँ तुम्हारी दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। मैं दादागिरी करती हूँ? नहीं तो क्या दादागिरी कर रही है? अरे तो चुप चुप, मैं कहती हूँ तू चुप। मैं कहती हूँ चुप। क्यों चुप है? अरे वो आ रहा है। कोई भी आया, हमें उसे क्या? अरे लॉरी आ रही है, शेर सिंह आ रहा है। शेर सिंह
पहले मच्छी बाजार, अब एकदम सन्नाटा। अरे भाई शेर सिंह आ रहा है ना। शेर सिंह? अरे शेर सिंह है तो दारा सिंह थोड़ी है। शेर सिंह भैया नमस्ते। नमस्ते पाजी। सच्चे पाशा आप जी दी मेर नाल अज भी आप दे दास ट्रक चला के सही सलामत हजूर दे चरना ते हाजिर हो। तो बोले यार सब के सब ये जो है ना नालायक एकदम नकारे, कोई भी बंदा इनमें काम का नहीं, निकम्मे। शेर सिंह भैया दुनिया में कोई भी निकम्मा नहीं। हाँ कुछ लोग जिनसे हम काम नहीं लेते और जहां तक हमारा उनसे संबंध है वो लोग हमारे लिए निकम्मे हैं। अब आप मेरी मिसाल लीजिए ना, आप मुझसे कोई काम करवाते हैं नहीं ना, तो फिर मैं आपके लिए निकम्मा हुआ ना। ओए बोलिया रब ने बंदे नु ये दो दो हाथ काहे के लिए दिए? काहे को? इसलिए कि वो अपना काम खुद करे। तैं सुनिया नहीं, अपना हाथ और जगन्नाथ। श्रीमान जगन्नाथ जी। हाँ जी। क्या दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते? श्रीमान भोलेनाथ जी। हाँ जी। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो बंदे दा पुत्र नहीं कर सकता। तो फिर आप एक काम करके दिखाइए। बोलो। अंडे में से जो मुर्गी निकलती है ना, उस मुर्गी को वापस अंडे में डाल दीजिए। बदमाश कहेगा। अब दिया ना प्यार का चूरन। चूरन? हाँ प्राजी, जब तक आपके मुंह से बदमाश कहेगा ना सुन लो, पेट नहीं भरता, नींद नहीं आती। ओए बोलिया साडा तेनू बदमाश कहीं का कहना कभी बुरा नहीं लगता? नहीं प्राची, पुलिस वाला भी प्यार से अपने बेटे को बदमाश कहीं का चोर कहीं का कहता, तो क्या वो सचमुच का चोर बदमाश बन जाता है? ओए बस बस, अब तू अपने भाषण को ब्रेक लगा और चल फुट यहाँ से, तू काम करने दे। और ठीक है प्राची, आप भी अपना इंजन ठंडा करिए और अपने पेट की टंकी में मक्के की रोटी और सरसों के साथ का पेट्रोल डालिए, लेकिन देखना कहीं ज्यादा ओवरलोड ना हो जाए वरना एक्सल खटाक से टूट जाए। बदमाश कहीं का। बदमाश। क्या बात है हाँ दोस्तों, प्रिंस तो वेल्स की सवारी शायद कालच की तरह नहीं जा रही क्योंकि उन्होंने अभी तक भोजन नहीं किया है। साहब दादे आजकल किस किचन की रोटियां तोड़ रहे हैं? अबे ओ गेंडे, लॉर्ड भोला हमारी तुम्हारी तरह चालू होटल में पथरीली राइस प्लेट नहीं खाते। अरे दोपहर का खाना ताजमहल होटल में खाते हैं और रात का सरेन फैन में। अरे नहीं यार, जहाँ भोला ने सुनहरी चश्मी हाथ में लेकर आवाज लगाई भोला आ गया, मैं भोला आ गया, बस खाना। भोला आ गया, मैं भोला आ गया। रसोई तैयार नहीं है, जरा देर लगेगी। भाजी मुझे कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। तो क्या करूं, हर वक्त तेरे लिए खाना बनाए बैठी रहो? हर वक्त नहीं भाजी, कभी कभी। पेट खाली है तभी अकड़ नहीं जाती, इतनी भूख लगी है तो जा जाकर कहीं घास खा ले। माँ जी आपने घास कहा तो याद आया, आपको घास नेट मंगवाना था ना, कनस्तर निकाल कर रख दीजिए, शाम को ले आऊंगा। घास नेट? तू नहीं तो क्या मैं आऊंगी। भोला आ गया, मैं भोला आ गया। भोला आ गया? अबे दिन रात तो यही पड़ा रहता है, कौन सी नई बात कर रहा है? आनंद बाबू मेरी इस पुकार का मतलब माँ जी समझ गई होंगी। हाँ हाँ समझ गई होंगी। अबे सीधी तरह क्यों नहीं कहता कि मैं भीख मांगने आया? आनंद बाबू अरे हाथ फैलाकर ये क्यों नहीं कहता बाबा एक रोटी दे दो, मुझे भूख लगी है। लाट साहब दिखाते हैं शान और मांगते हैं भीख। कहाँ 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 कहाँ? अरे फिर ऐसी बात जबान पर ले आए तो हम तुम्हारी जबान काट डाल। भोला को दो रोटी देकर कोई इस पर एहसान नहीं करता, ये तन तोड़कर सबकी सेवा करता है, कॉलेज में पढ़ता है, अच्छे नंबर से पास होता है, वजीफा पाता है, इस पर किसी का एहसान नहीं बल्कि हम सब पर इसका एहसान है। अरे तेरे जैसे लड़के को तो इसे सबक लेना चाहिए। आनंद किनारा बोला है, आप तो आनंद बाबू पर खामखा गुस्सा करते हैं। अगर आनंद बाबू कुछ कहते हैं तो हंसी मजाक में कहते हैं, उनके मन में कुछ नहीं। मन में कुछ नहीं ये तो ठीक है भोला, लेकिन उसकी खोपड़ी में भी कुछ नहीं है। ऐसा ना कहिए बाबू जी,
आखिर आनंद भैया ने ऐसी कौन सी गलती कर दी? अगर गलती की भी है तो वो उनकी नहीं, उनकी उम्र की है, आगे चल के समझदार हो जाएंगे। लो भोला, सुनी भोला की बातें? वो तो रोज सुनती है, सब इस पर अंगारे बरसाते हैं, और ये बेचारा उन्हीं पर फूलों की हार चढ़ाता है। बिल्कुल ठीक कहती हो। हाँ भोला, माँ। दीदी दीदी। सॉरी मेरी बच्ची, आ गई तू, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। दीदी संभाल कर ले जाएगा गौरी को आगे से। हे भगवान, तेरा ही सहारा है। दीदा जी, टैक्सी वाले से छुट्टे पैसे वापस तो नहीं लिए? नहीं लिया बाबा। क्या नहीं लगता? बात मत करना, ना ही किसी के पास आना जाना। क्यों माँ? बेटी, यहाँ हम बंगले कोठी में नहीं चाल में रहते हैं, और चाल में रहना सराय के रहना जैसा है। यहाँ जितने मुंह उतनी बातें। बेटी, तेरे बारे में जरा भी हवा लग गई तो तेरी शादी ब्याह होना मुश्किल हो जाएगा। जीजा जी, मैं ट्रेन के सफर से तंग आ गया हूँ। क्या हुआ? वहाँ से चली थी तो मेल गाड़ी थी, और यहाँ पहुँचते पहुँचते मालगाड़ी बन गई। मोहन जी, सफर मैं भी कर चुका। टैक्सी में फोनों की टोपी रखी है, लेती आना। समझी ना? समझी तो तू अंदर जा, मैं अभी आती हूँ। तुम्हारा नाम? नमस्ते दीनदयाल जी। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए बैठिए। सुना है आपकी बेटी आई है? जी हाँ, आज मैं आपके पास कुछ सलाह मशविरा करने आया हूँ। कहिए। अब गौरी की शादी के बारे में भी तो सोचना है, तो कहीं आपने बात से चलाई? वो ऊपर मक्खन लाल जी जो रहते हैं। हाँ, वो अखबार के खप्ती। जी हाँ, उनका लड़का जीवन कैसा रहेगा? हाँ, लड़का अच्छा है, लेकिन मुझे शक है सिगरेट पीता है। दीनदयाल जी, सिगरेट पीना तो आजकल फैशन हो गया। सुना है बीए पास है और अच्छी खासी सरकारी नौकरी है उसकी। हाँ, सरकारी नौकरी में तनख्वाह में इजाफा हो या ना हो, लेकिन महंगाई के साथ साथ भत्ता जरूर बढ़ता रहता है। मेरा ख्याल है कि मक्खन लाल जी आपकी बात जरूर मान लेंगे। जरा आप मेरे साथ चलेंगे? जरूर। रिटायर बूढ़ा, मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना चाहिए। आपका जीवन और इनकी बेटी गौरी बिल्कुल गौरी शंकर की जोड़ी रहेगी। अगर आपका ये रिश्ता हमें मिल जाए तो हम इसे अपना सौभाग्य समझेंगे। आपके लड़के के बारे में जब उन्होंने जिक्र किया तो हमने कहा कि देखा में देर क्यों, अभी चलो। मखला जी, आपको ये रिश्ता पसंद है? रिश्ता? कैसा रिश्ता? पिताजी, ये लोग शादी की बात करने आए हैं। शादी? किसकी शादी? अयो रामा कृष्णा, देखिए पिताजी हर बात अखबार में पढ़ने से ही समझते हैं, इसलिए आप एक काम कीजिए, आप जीवन भैया और गौरी की शादी करवा दीजिए और ये खबर अखबार में छपवा दीजिए, बस पिताजी पढ़ के समझ जाएंगे। ठीक ठीक ठीक, इस घर में एक मिनट भी अखबार चैन से पढ़ने नहीं। देखिए आप लोग पिताजी की बात का बुरा मत मानिएगा, कोई अच्छा सा दिन देखकर हम लोग दुल्हन देखने आएंगे। भैया चाय तैयार है कि नहीं? भैया ये लोग आपकी शादी की बात करने आए हैं। कुछ चाय पिया? ठीक है ठीक है। ये मेरे भैया है। देखिए श्रीमान, वैसे मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना पसंद नहीं करता, लेकिन मुझमें कोई खराबी नहीं। बीड़ी और चिरुट तो मैं छूता नहीं, बियर और विस्की तो मैं पीता नहीं, यहाँ तक कि रिश्वत किसी से लेता नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ, एक कमजोरी है मुझमें, अक्सर झूठ बोला करता हूँ। वाह वाह जीवन जी, आप तो बड़े मजाकिया तबीयत के आदमी दिखते हैं। और एक खास बात है। वो क्या? मैं बुजुर्गों की हमेशा इज्जत किया। ये तो सोने में सुहागा है। अब मैं सिगरेट पीने वाला, तो अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे रेनू, लड़की कैसी है? सुंदर है? आराधना में शर्मिला जैसी है? अरे दिखाया कहाँ है, ऐसे छुपा छुपा के रखा है जैसे किसी की नजर लग जाएगी। अरे अब कैसे छुपाएगा, साखर पुड़ा के लिए तो आएगी ना। अजी देर हो रही है, दुल्हन को बुलाइए। हाँ हाँ बुलाइए। हाँ हाँ बुलाइए। शुभ कार्य शुभ मुहूर्त से होना चाहिए। शुभ लगाना।
मराठी फिल्म सांगते का की हिरण अच्छी दिसत होती. तुम्हारा नाव गौरी. गौरी तुझसे किसने पूछा, चल जा अपना काम कर. तुम्हें भी अपनी माँ की तरह मिठाई बनानी आती है. आज कहाँ है? इस लड़की को मैंने कहीं देखा है. कुछ है, कल ही तो आगरा से आई है. बिल्कुल ठीक, गोविंदा के भांजे को मिलने में आगरा गया था ना. अय्या वो तो पागल खाने में है. इस लड़की को मैंने वही देखा है, पागल खाने. अच्छा तो आप पागल खाने लड़कियाँ देखने जाते हैं? ले लो. अच्छा ठीक है, रहने तो बाद में देखते. लेकिन ये बताओ तुमने अपनी आंखों से इस लड़की को पागल खाने में देखा है? हाँ अपने आंखों से देखा है. तुम्हें पक्का मालूम है ये वही पागल लड़की है? हाँ पक्का मालूम है, वही पागल लड़की है. आशीष पागल लड़की फिल्म वारिस में देखी है. हेमा मालिनी ने क्या फर्स्ट क्लास एक्टिंग की थी. फर्स्ट क्लास एक्टिंग की थी? ये एक्टिंग नहीं है, ये सच में पागल है. अच्छा तो इसीलिए गौरी को छुपा छुपा के रखा था. क्यों जी, क्या ये सच है कि गौरी पागल खाने में थी? बोली चुप क्यों हो गए, कांच की पुतली की तरह क्यों खड़े हैं? ये सच है बेटी. सुन लिया जीवन भैया, अरे आप क्यों बैठे हो? उठो बेटे. जीवन बेटा सफर से काम लो, जरा सुनो तो ये कहा कह रहे हैं. मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो बेटे. पहले दीजिए, आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? बेटे बताने की जरूरत ही नहीं थी ना, अब ये अच्छी हो गई है, अब ये पगली नहीं है बेटे. ये पगली नहीं है, इस बात की क्या गारंटी? रेनू जी इसकी भी क्या गारंटी, कल को आप पगली नहीं होंगे. चुप रहे. बोला तुम चुप रहो. ये सगाई नहीं होगी. चलो जीवन भैया उठो. चलो जीवन बेटे, जीवन बेटे. आप लोग चुप क्यों हैं? कोई तो समझाइए. केशव राव जी आप ही समझाइए ना जमाईदाज को. कमाल है, पागल है लड़की और समझाने को कह रहे लड़के को. बगा शादी जीवन मरण का सवाल, मैं पराया मनुष्य, हमें बीच में बोलने का क्या अधिकार? हाँ बोला चला जा. चलो जीवन बेटे तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो बेटे, भले बुरे का फर्क अच्छी तरह समझते हो. अगर किसी में कोई बुराई है तो उस बुराई को दूर करना चाहिए, उसे घर से उठाकर बाहर फेंक देना ये कहाँ की बुद्धिमानी है बेटे. और अपनी बेटी का दोष छुपा के कष्ट मंगने पर ब्याह कर देना ये कहाँ की बुद्धिमानी है? क्यों खाम खा का भेद कर रही हो? कट टू द पॉइंट, 15,000 रुपए कैश दीजिए आप तो यह शादी हो सकती है. 15,000 रुपए? जी हाँ. दहेज? दहेज न कहिए बाबूजी, दहेज कहेंगे तो ये व्यापार हो जाएगा, इसे भेंट कहिए, तोहफा कहिए. जीवन बेटे इस तरह अचानक बात का बदलना बुरी बात है, ये 15,000 की रकम को मामूली रकम नहीं है. जीवन बाबू 15 के आगे 3 मिंडी लगा तब जाके बनते हैं 15,000. ये सब मैं नहीं जानता. 15,000 में 3 मिंडी लगती ये भी नहीं मालूम आपको? तुम चुप रहो, तुम चुप रहो. जीवन बेटे मैं कुछ भी करके तुम्हें सिर्फ 5,000 रुपए दे सकूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं. हमें 15,000 रुपए चाहिए, वो भी एक बोझ. बेटी मैं अपना सब कुछ बेच डालूंगा तो भी 6-7 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं जमा कर पाऊंगा बेटी. अब मान जाओ बेटी और ये सगाई कबूल कर लो. नहीं साथ नहीं, पूरे 15 लूंगी. वादा पूरा हो गया, थोड़े ज्यादा देना पड़े तो भी कोई बात नहीं, मुझे छुटकारा तो मिल जाएगा. गौरी शादी नहीं करनी तो जाओ यहाँ से, 15,000 तो क्या 15 पैसे भी नहीं मिलेंगे. पगली, पक्की पगली, एकदम पगली. हाँ हाँ मैं पगली हूँ, कोई मुझसे शादी ना करे, जाओ यहाँ से चले जाओ मेरे घर से. जाओ क्या सगाई हो गई? ये राम कृष्ण चलिए ना. सॉरी सॉरी मेरे पैसे. सॉरी चुराई मेरी मेरी निंदिया जागी सारी.
कॉलेज जा रहा हूँ। अच्छा बोला। बोले राजा देखो हमारे लिए एक जल्दी से टैक्सी ला दो। टैक्सी? अच्छा अभी लाया। सुनिए छाता नहीं लेके जाएंगे? अरे नहीं आज छाते वादे की जरूरत नहीं है, आज उस्ताद टैक्सी में जाएंगे, टैक्सी में। अच्छा करो। ये क्या लाज नहीं आती? बोलो आज तुम्हारे लिए क्या क्या लेके आऊं? गुलाब, मोगरा, पाउडर या स्नो? ए, तेरे गाल तो टमाटर से भी लाल है। टैक्सी आ गई। तू 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 यहाँ क्या? मैंने नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। चल चल मैं आता हूँ। अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ। अरे दादाजी को दवा देना भूल ही गया। आया दादाजी? ये लोग इस गरीब को सात दिन में तो एक बार खाना देते हैं और काम लेते हैं एक दिन में सात सात बार। इस सांसने वाले दादाजी की तो दिन रात सेवा करता रहता है बेचारा। बोला अब जल्दी से कॉलेज चला जाए तो फिर कोई काम पड़ जाएगा। बोले राजा पेट भर खाना खाया ना? आप अपना काम बताइए ना माँ जी। अपना भोला कितना होशियार है, बगैर समझाए सब काम समझ जाता है। बोला मैं चक्के पर गेहूँ रखाई हूँ पीसने के लिए, जाकर उठा लाना। भोला को देर हो रही, उसे कॉलेज जाना है। कॉलेज जाइए कचहरी, मैं रोक थोड़ी रही हूँ और सभी तो काम बताते हैं, मैं अकेली नहीं। बोला आप सुनते रहिए बाबूजी, मैं चक्की से आटा ले आता हूँ। मैं सब जानती हूँ, मेरे जी में दया नहीं, रहम नहीं, मैं भोला को पढ़ने नहीं देती। ये मैंने कब कहा? नहीं कहा तो अब कह लो, रिटायर हो गए हो तुम्हें काम ही क्या है? दुनिया की भलाई बुराई करने के बजाय भगवान का नाम लो, बुढ़ापा सुधर जाएगा। अरे अपनी जबान को लगाम लगा लीला, किसका बुढ़ापा सुधर रही है, किसको बुढ़ा कह रही है? अभी तक तो इनके हाथ पांव सलामत हैं, आज भी अपना सारा काम काज खुद अपने हाथों से करते हैं, तो दूसरे के लल्लू चप्पू में क्यों पड़े रहते हैं? काजी जी दुबले क्यों, शहर की फिक्र क्यों जी? तुम्हारों के झंझटों में क्यों पड़ते हो? चलो अंदर चलो भी। चक्की से आटा लाएगा भोला और बोझ पड़ रहा है इन पर, क्या आदमी है। अरे आ गया तू, ये आटा करूं है। अरे बाबा अब मैं तुझे कभी काम नहीं बोलूंगी। काम बोलती हो तुझे और तकलीफ होती है वकील साहब को, पैसा गिरता है बंबई में, अब ढूंढने जाते हैं दिल्ली में। अरे वाह क्या अजीब लोग हैं। अरे वाह माँ जी आपका डब्बा। अरे वाह डब्बे के बच्चे चले जाते। बाबूजी ये कैसा तूफान था? इससे पहले कि कोई भूचाल आ जाए तो जल्दी से कॉलेज भाग जा। ये ले किताबें, चल चल चल। ओहो विवेक भैया कॉलेज का समय हो गया, चलो जल्दी। हाँ हाँ चलते हैं यार। गुड मॉर्निंग सर। ओह गुड मॉर्निंग भोला। डैडी ये लेट लतीफ आज ठीक समय पर आए हैं ना, वरना रोजाना देर से। नो सर आजकल कॉलेज की घड़ी जरा तेज रफ्तार से चलती है। अच्छा ये क्यों नहीं कहते उस चाल भर की नौकरी चाकरी करके जब वक्त मिलता है तब कॉलेज आते हो? भोला इस तरह तुम दूसरों का काम करते रहोगे तो तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? इम्तिहान में फर्स्ट आने की जो तुम्हारी तमन्ना है उसका क्या होगा? देखो बोला एक काम करो, मैं किराए पे तुम्हें कमरा लेकर देता हूँ, तुम उसमें रहो अच्छी तरह पढ़ो फर्स्ट आओ। सर वैसे ये किताबें दिलाकर आपने मेरी बड़ी मदद की, मैं आपके एहसानों से दबा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात यह सर अगर मैं उस चाल से चला गया तो चाल वालों को बड़ी तकलीफ होगी। डैडी कहना बेकार है, ये साहब उस चाल को छोड़ के स्वर्ग में रहना भी पसंद नहीं करेंगे। सर आप बेफिक्र रहिए, उस चाल में रहने के बावजूद भी मैं फर्स्ट आने की कोशिश करूंगा। भोला तुम्हें अपने आप पर इतना विश्वास है तो फिर मुझे और क्या चाहिए। अम्मा यार पगली बर्तन साफ कर रही है। पगली हो ना हो लड़की एकदम तेज है। जब तक कबूतर बालों के स्टाइल से तो क्लियोपेट्रा लगती है। क्लियोपेट्रा क्लियोपेट्रा घूर घूर के देख रही है। हमारे यार देख रही है तो देखने दो, तुम तो हो जाओ शुरू। ये बात है हाँ? पगली हो पगली घर से हो निकली जैसे गुलाब की कली। पगली हो पगली। मेरे को किसे कहा पगली? कौन है पगली? लो बोलो। आज ही हमारा गाना गाने को जीत चाह रहा था तो हमने गा दिया। मुझे देख के क्यों गा रहे थे? अरे तुम्हारी तरफ नहीं तो क्या है, मेरी तरफ देख के गाते। अरे पगली का गाना पगली को सुनाना। पगली? मैं पगली? मर गया मोटा।
चुपचाप मुट्ठी से बैठे रहे। मैं तो तुम सब अपना काम कर रही थी, ये मुझे देख के गाना गाने लगा और तूने धुआंधार बर्तन बरसाना शुरू कर दिया। मुझे पढ़ने गएंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। अच्छा चला चला चला। अगर फिर किसी ने मुझे चिढ़ाया तो याद रखना मैं सबके सर काट दूंगा। एक बार कहा तो सुनती नहीं, फिर बाहर निकले तो सारे तोड़ दूंगी तेरे। चला तेरी वजह से सारे मोड़ने में बदनाम हो, फिर कोई जरूरत की तो जोड़ दे दूंगी तेरे। चुपचाप बने रह जा मनु कहीं। भुला आ गया, मैं भुला आ गया। ये क्या कर रही है? भुला आया है मां। भुला आया है तो आने दे, कह दे हमने कल ही खाना दिया है। कल ही ऐसा तो क्या भूख नहीं लगेगी? भूख लगेगी तो हम क्या करें, हमारी बारी चार दिन के बाद आएगी। लेकिन काम के लिए तो हर रोज हुकुम चलाती हो। हाँ फिर लगी ये टाइम तय करने, इससे तो ये पाउडर खाने में ही अच्छी थी। ये लो। नहीं नहीं मेरा पेट भर गया। एक नहीं दो नहीं दसियां देखने वाले आते हैं, मजे से नाश्ता पानी उड़ाते हैं और मुंह पोछते हुए चले जाते हैं, पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। नहीं देखते तो ना देखे। मुझे फिक्र पड़ी है तेरे हाथ पीले करने। हल्दी के डिब्बे में हाथ डालती हूँ हो जाएंगे पीले। मेरी जान जल रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है, न जाने कैसे ग्रह पड़े हैं तेरी कुंडली में। भगवान जाने कब छुटकारा होगा इस कमी दशा से। ये गला फाड़ फाड़ कर रो रहा है और तुम गला फाड़ फाड़ कर मेरा सर फोड़ रहे हो। अरे मैं गा रहा हूँ और तुम कहते हो कि मैं गला फाड़ रहा हूँ। और नहीं तो क्या, कहते हैं गाना सुनकर बच्चे सो जाते हैं। हाँ। लेकिन तुम्हारा गाना सुनकर तो बूढ़े भी जाग जाएंगे, बिल्कुल बेसुरा। देख 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 दया, तुम मेरी धर्म पत्नी, इस केशोरा की बेसुरी आवाज भी तुम्हें कन्हैया की बांसुरी लगनी चाहिए। अपने पति की तारीफ करना पत्नी का कर्तव्य है। बस बस रहने दो कर्तव्य का उद्देश्य। आज की स्त्री डॉक्टर बनकर इलाज करती है तो मिनिस्टर बनकर राज भी करती है। हाँ हाँ मालूम है मालूम है। अरे यही जयू, एक काम कर, उस रोती हुई शनि दशा को इसके गले में बांध दे। उस शनि दशा को इसके गले में बांध दे। भोला पुस्तक बंद कर दो। क्यों? पप्पू सुला दे से। मेरा कल अंग्रेजी का इम्तिहान है, मैं ये शेक्सपियर याद कर रहा था। वाह वाह, जो मर गए उन्हें तुम याद कर रहे हो और जो जिंदा है उन्हें भूल रहे हो। लेकिन 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 कुछ नहीं, सुला दे से। आई आई शेक्सपियर सुनेगा शेक्सपियर। Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I have come to bury Caesar, not to praise him. How do you like it? No. अच्छा नहीं, फिर सुना तो दूसरा आइडिया। अरे friends, Romans, countrymen, एक चांद कठपुतला रोता है। अरे friends, Romans, countrymen, एक चांद कठपुतला रोता है। Lend me your ears, I have come to bury Caesar, I have come to bury Caesar, not to praise him. अरे friends, Romans, countrymen, एक चांद कठपुतला रोता है। अरे पसंद आया? नहीं नहीं शेक्सपियर नहीं पसंद है। कालिदास सुनाओ, कालिदास सुनाओ कल, वो भी नहीं। फिर क्या करूं क्या करूं। तेरा मन बहलाऊं
अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं, हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं, मैंने तो गुजारा जीवन सारा बेसहारा हो, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। भोला है ना भोला, बेचारा बड़ा गरीब है, सच्ची बात, लेकिन होशियार भी बहुत है, पढ़ लिख कर अपने गृहस्थी चलाने के लायक हो ही जाएगा। ये भी सच है। मैं कहती हूँ अपनी गौरी के लिए भोला कैसा रहेगा? विचार बुरा तो नहीं है गौरी की माँ, लेकिन सवाल ये है कि उसने ना कर दिया तो? हाँ, ये ना करने वाला वो कौन होता है जी, रोज हमारे दरवाजे पर भूखा प्यासा आकर कहता है माँ जी मैं भोला आ गया हूँ, मैं भोला आ गया हूँ, हम उसे खाना देते और वो हमें ना कहे, ना करके तो देखे। ठीक है, मगर अभी तो चुपी रहो, उसका इम्तिहान नजदीक, अगर उसने बीए पास कर लिया तब बात छेड़, लेकिन अभी तो इस बात की हवा भी बाहर मत जाने। अच्छा राजी, ये जुल्म है, ये अन्याय है, ये धोखा है। धोखा है तो आ गरम गरम रोटी खा, आदमी क्यों हो रहे नाल? धोखा नहीं, धोखा है, धोखा है। घर में मुझे कुएं में ढकेलने की कोशिश हो रही है, कुएं में, और तू फिकर ना कर, मैं तेरे को निकाल लूंगा। मुझे नहीं, आप मेरी लाश को निकालें, और कीमत मत, वो जो पागल लड़की है ना गौरी, उसको मेरे गले में बांधने की साजिश हो रही है। ये कैसे हो सकता है? हाँ प्राची, उसके माँ बाप को बात करते हुए मैंने अपने कानों से सुना। और तेरी बाबत बात करने का उन्होंने क्या हक है? आप इनकार कर दे। कैसे इनकार कर दूं प्राची, वो सब बड़े आदमी, मैं रोज सुबह शाम उनके दरवाजे पर हाथ फैलाकर कहता हूँ भोला आ गया, मैं भोला आ गया, मैं उनके फैसले को कैसे बदल सकता हूँ? अगर मैं उनसे कुछ कहूंगा भी तो क्या वो लोग मेरी बात सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो लोग मुझे रोटी देते हैं। वह सूखी रोटी देकर पागल बेटी गले बांधना चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इन आदि हकने लगाता उन्हें गाली मत दीजिए, मेरे खातिर झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं उसे चुपचाप बर्दाश्त कर लेना चाहिए। बोलिया। हाँ प्राजी, लेकिन इस सवाल को सुलझाने का मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया। क्या? वो लोग मुझे धोखा देना चाहते हैं ना,
इससे पहले मैं उन्हें धोखा दूंगा। मैं उस पागल लड़की से प्यार करना शुरू कर दूंगा और उनसे कहूंगा ये लड़की मेरे लिए कोई नई नहीं है, मैं तो पहले से इससे प्यार करता हूँ, मेरी इसकी पहचान बहुत पुरानी है। बोलिया। हाँ प्राची, किसी चीज की आशा रखकर निराश होने से तो अच्छा है कि आदमी निराश करने वाली बात की ही आशा रखे, ताकि उसे निराशा कर कोई दुख न हो, कोई दुख न हो। वाह वाह बोलिया, वाह वाह, तेरा फैसला बहुत अच्छा है, इसका नतीजा भी अच्छा होगा, तू परेशान ना हो, वाहेगुरु ने चाहा तो वो लड़की भी अच्छी हो जाएगी, देख लेना। प्राची, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो आपको ठीक लग रहा है? बिल्कुल। तो क्या मैं उस पागल लड़की के साथ में प्यार करना शुरू कर दूं? हाँ हाँ, बड़े शौक से। बड़े शौक से। आपका क्या है, आप तो एक कोने में खड़े रहकर तमाशा देखते रहेंगे और खोपड़ी टूटेगी मेरी। फिक्र ना कर, बोले का प्यार अमर रहेगा। हाँ बोले का प्यार अमर रहेगा, और जी बोले का प्यार को अमर रहेगा, लेकिन बोला रहेगा अस्पताल में। प्यार कैसे करते? बड़ा टेढ़ा सवाल। किताब की मदद लो। प्यार करने वालों को जूते खाने पड़ते हैं, मर गए। दूसरी किताब, दिल के टुकड़े, प्यार करने से पहले ये भी नहीं बनता। चाकू, गौरी से तो प्यार करना ही पड़ेगा, उसे बात कैसे करूंगा, बाहर कैसे बुलाऊंगा? आइडिया, मैंने उसे चढ़ाऊंगा तो वो बाहर आ जाएगी। पगली हो पगली, घर से है निकली, कैसे गुलाब की खली, वो पगली साथ में है उंगली, पगली है जंगली। वो गाना क्यों गाया तुमने? मैं आपसे सच कहता हूँ, मैंने आपको चुराने के लिए वो गाना नहीं गाया, बल्कि आपको बाहर बुलाने के लिए गाया था। अब तुम इसे डरते क्यों? क्या कर रही हैं आप? देखिए नीचे कुआं है, मैं अगर नीचे गिर गया तो गड़प हो जाऊंगा, बोला नीचे और बुलबुले ऊपर। आजी, तुम मुझे देखकर ऐसे क्यों डरते हो जैसे बिल्ली से चूहा? क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? आती है, आजकल थोड़ी थोड़ी दया आती है, पहले मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अब डर का पारा थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा है और दिल बात करने का सिग्नल दे रहा है। गौरी जी, आप चुप क्यों हैं? अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो लोग कहते हैं मैं पगली हूँ। हाँ, तो फिर आप चुप रहिए। जब मैं चुप रहती हूँ तब भी यही कहते हैं कि मैं पगली हूँ। तो फिर कुछ बोलिए, कुछ बात कीजिए, बातों के बिना बात नहीं बनेगी, कुछ आप कहिए, कुछ मैं कहूँ। क्या कहूँ? कुछ भी, अपने जन्म के बारे में, बचपन के बारे में। अपने जन्म के बारे में मैं क्या कहूँ? मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि कितना अच्छा होता अगर मैं पैदा ही ना होती। नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। गौरी जी, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप नाराज तो नहीं होंगी? नहीं बोला, तुम अच्छी बात करोगे तो मैं नाराज क्यों होगी? मुझसे तो कोई भी अच्छी तरह बात नहीं करता। लेकिन आप तो अच्छी तरह बात करती हैं, मगर उस दिन, मेरा मतलब वो जीवन बाबू के साथ सगाई वाले दिन, वो आपका चंडी रू, बर्तनों की फेंक फाक। कोई किसी को पगली कहकर 15,000 रुपए दहेज में मांगे, सबके सामने उसका अपमान करे, तो मैं तो क्या, कोई भी लड़की ऐसा ही करेगी? गौरी जी, आप दूसरों को बर्तन फेंक कर मारते, इसलिए वो आपको पागल कहते हैं, वो लोग आपको पागल कहते हैं इसलिए आप बर्तन फेंक कर मारते हैं। बड़ी मुश्किल है, इस मुश्किल का सिर्फ एक ही हल है, गुस्से का स्विच ऑफ, प्यार और शांति का स्विच ऑन। मेरा मतलब है, दूसरी लड़कियों की तरह शांति से बर्ताव करना शुरू कर दीजिए। दूसरी लड़कियां कैसा बर्ताव करती हैं ये मैं क्या जानूं? मैं तो 10 साल से पागल खाने में थी, बाहर की दुनिया कैसी है मुझे क्या मालूम। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब मैं पागल नहीं। अजी, पागल तो यहाँ के लोग हैं, कोई संगीत का दीवाना तो कोई सिनेमा की दीवानी, कोई कपड़ों के लिए पागल तो कोई गहनों के लिए पागल, और पैसे के लिए तो सब पागल होंगे। वो सब पागल, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे वो लोग पागल कहें, बात बात से पागल कहें। सॉरी जी, गुरु जी आप रोइए मत, मुझसे किसी के आंसू नहीं देखे जाते। मुझसे भी ये बेरहमी नहीं देखी जाती, आज तक तुम्हारी तरह किसी ने तो तसल्ली के बोल भी नहीं बोले मुझसे। बोला
तुम तो मुझे अच्छी लड़की समझकर मुझसे बात किया करोगे ना? करोगे? अरे करनी ही पड़ेगी, खूब खूब बातें करनी पड़ेगी, वरना मेरा प्लान कैसे कामयाब होगा? प्लान? कैसा प्लान? कुछ नहीं। ये क्या बोला? अभी अभी तुम कह रहे थे कि खूब बातें करनी है, और अब एकदम चुप हो गए, क्यों? गौरी जी, एक मुश्किल है, इस चाल में इतने परिवार रहते हैं, फिर अकेले अकेले कैसे बात करेंगे? क्यों, तुम मुझे बुलाओ, मैं आ जाऊंगी। मगर कैसे? अभी कैसे बुलाया तुमने? गाना गा के। हाँ तो गाना गाओ। अच्छा रहेगा, पगली ओ पगली। देखा, मैंने कहा मुझे बुलाने के लिए और तुम पगली को बुलाने लगे। माफ करना, लेकिन दूसरा गाना कौन सा गाएंगे? ये गाना सुना? हाँ। हम यही गाना गाया करेंगे। जरूर। बन गया काम, मैं यही गाना गाया करूंगी जब तुमसे बात करने को जी करेगा, तुम आ जाना। अगर आप सुर में गाएंगी तो मैं जरूर आऊंगा। अरे ओ गौरी! ये आपकी माँ की आवाज? हाँ। खड़ा जी, आप कल से जरा ज्यादा दुबली नजर आ रही हैं, कुछ बीमार है क्या? अरे क्या बकबक कर रहा है? मैं बकबक कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो धोती खा रहा हूँ। धोती खा रहा है? नहीं नहीं, धोती धो रहा, धोती सुखा रहा हूँ। अरे धोती सुखाने के लिए क्या मुँह से बकबक करनी पड़ती है? हाँ माँ जी, मुँह से बकबक करते हैं तो हवा निकलती है मुँह से, उससे धोती सूखती है। साड़ी साड़ी? अरे क्या साड़ी लगा रखी है? माजी मैं ये कह रहा था कि ये साड़ी भी बना सकते। अरे तो नाच क्यों रहा है? अरे आप मुझे लगा रही है। न जाने कहाँ चली गई, किसी हजार बार कहा कि घर से बाहर मत निकलना, फिर भी नहीं सुनती। लेकिन यहाँ नहीं आई माजी, यहाँ नहीं आई। अरे तो फिर गई कहाँ? अंदर होगी, अंदर अंदर होगी, अंदर अंदर अंदर। अरे मैंने कहा ना कि अंदर मैं देख आई हूँ, अंदर नहीं है। अंदर आप देख आई हूँ तो क्या, मैंने उसे छुपा के रखा है, धोती में छुपी हुई, अंदर जाके देखिए। अच्छा तो देखती हूँ, अंदर जाओ। बैठ गया। भोला आ गया, मैं भोला आ गया। अरे भोला खाने के लिए आया है? अरे रे 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 रे, तुम्हें मालूम नहीं आज एकादशी है, हमारा उपास है, खाना नहीं बनाया। अच्छा राजी, आज लॉरी की सवारी नहीं निकली, देख बोलिया हफ्ते में एक दिन छुट्टी, मैनू भी और तारी नू भी, इसीलिए हजरत कर रहा है कसरत। राजी मैंने वाटर प्रूफ शॉक प्रूफ घड़ी सुनी, लेकिन कसरत प्रूफ घड़ी पहली बार देखा। बदमाश है बोलिया। कड़ी सौगात ले आया जी, मेरा एक बड़ा प्यारा यार। यार मेरे जैसा? हाँ, लेकिन वो बेचारा मर गया और मैं बेचारा जिंदा। बोले यार, मैंने दुनिया की तीन चीजें बढ़िया ही प्यारियां, पहली तो मेरी चाय। चाय? ओए माँ। और दूसरी है मेरे यार की निशानी करी। और तीसरी? तीसरी तीसरी मेरी अकल। बोले यार, मैं तो सीधा फटा आदमी, जैसा मैं आदमी है वैसे मेरी अकल। प्राजी, मैं आपका ये कमरा साफ कर दूं। और की लोड है तेरे, कोई पाबी नहीं आने वाली है सिंगल कोठरी से, शेर तो दुनिया से कल्ला ही आया थी, कल्ला ही जाए। आप जाने की बात क्यों करते हैं? पहले खाना पीना जीना, उसके बाद जाना। अच्छा याद आया, प्राजी आपने खाना खाया? और देखता नहीं, अभी स्नान नहीं, ध्यान नहीं, खाना कैसे खाऊंगा? ये भी ठीक है प्राजी, मैंने आपको खाने के लिए पूछा, लेकिन आपने मुझे खाने के लिए नहीं पूछा। बोले यार, खाना खा लिया ना? भोला आ गया, मैं भोला आ गया। अरे अभी तक खाना नहीं खाया तूने? या वो केले ले ले। नहीं प्राची, मैं खुद नहीं लूंगा, अगर कोई देगा तो लूंगा। और ठीक है ठीक है, मैं ही लाके दे देता हूँ। ये ले। आप मुझे फोकट में दे रहे हैं? अरे फोकट में नहीं, प्यार से दे रहा हूँ, मीठे फल से। मुझे मीठे फल नहीं चाहिए, मुझे मेहनत का फल चाहिए। आप पहले काम दीजिए, उसके बाद ही ना। हाँ याद आ गया, वो चक्का चुक लिया। चक्का चुक? वो टायर लिया। तो ऐसा बोलो ना। ये अब क्या करूं, इस टायर को वहीं वापस रखते। हाँ याद दिला रहा,
तूने बोला कि तेरे को कुछ काम है, तो मैं तेनु काम देता, तेने कर देता लेबर का। ये सब के सब आहो आपके लिए, और मेरा रब मालिक है। रब तो ठीक है, लेकिन देख इसी तरह चला जा। अगर मेरा गुस्सा थर्ड गियर में आ गया, तेने जोर दी टापण। नमस्ते जी। कौन है? कोई नहीं है। बदमाश कहेगा। मैं तो क्या कद्दू हूँ। कितने अच्छे फल है। मैं सोच रही थी खाने पे क्या बनाऊंगी, अब तो अकेले ही खा लूंगी। कितने अच्छे वक्त खिलाया रे तू। रेनू जी मेरी बात सुनिए। पिताजी 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 कितने अच्छे फल आते देखिए, सही बोला मेरे लिए लाया है, आप भी लीजिए ना। दे दीजिए भैया। ओ भैया कितने अच्छे फल है, दो खाना तो नाश्ता करने की जरूरत ही नहीं। चार दे दे ताकि दोपहर का खाना भी ना खाना, डबल फायदा, पेट भी फुल और तेरी हाथ की कच्ची खिचड़ी से भी छुट्टी। ये लो। बोला तू कितना अच्छा है। जिससे मुझे तेरी बात है कल मुझे फल। बोला मैं काम कर। मैं समझ गया, मैं थाली धो के रख देता हूँ और पानी पी के सो जाता हूँ। बोला तुमने आज का अखबार पढ़ा? कुछ खबर सुनी? अपने शहर में रोजाना 4,424 आदमी भूखे सोते। गलत खबर है बाबूजी, 4,424 नहीं बल्कि 4,425। आज मैं भी भूखा सोऊंगा ना। अरे उन्हें तो घड़ी यहाँ रखी थी, कहाँ गई? कहाँ गए चांदी टिकला? अरे मैंने यही तो रखे थे। भैया ओ भैया क्यों चिल्ला रही हो? दो ग्लास चांदी के ग्लास गायब हो गए, आज तक कभी चोरी हुई है इनसे में? अरे मेरा वो क्या देख रहा है, दो ग्लास चांदी के ग्लास। ओह क्यों हाय हाय मचा रही हो, दो ग्लास को ना जरा तसल्ली से तलाश करो, मिल जाएंगे। अरे कहाँ से मिल जाएंगे, एक नहीं 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 दो ग्लास चांदी के ग्लास। पिताजी पिताजी दो का डाका चोरी, दो ग्लास चांदी के ग्लास से सारे चोरी हो गए। सच्ची की पिताजी जमाना बहुत खराब है। दो ग्लास लेकिन देखी ये खबर किस अखबार में छपी है, मुझे तो इसमें कहीं दिखाई नहीं दी। अरे दो गिलास चांदी के गिलास कहाँ जाओ किससे पूछो। दो गिलास चांदी के गिलास चोरी हो गए। देखो आज हमारे घर में चोरी हुई, कल तुम्हारे घर भी हो सकती है। हो क्या सकती है, मेरी भी तो घड़ी चोरी हो गई। चोरी हो गई तो मैं क्यों रहने से क्या फायदा? चिल्ला क्यों रही है, चोर इसी चाल में है। अरे तो मेरी तरफ क्या इशारे कर रहे हो, मेरी गाड़ी मैं चुरा लूंगी। मैं चोर को पकड़ के छटाऊंगा। चांदी के गिलास चल अंदर। बोला ए बोला तूने आज क्लास में इंग्लिश के सारे नोट्स उतारे थे ना, जरा मेरी नोटबुक में भी उतार दे। अरे उठता नहीं, उठ। बोला आ रहा पोस्टमैन। पोस्टमैन अगर मैं दुनिया में किसी से डरता हूँ तो सिर्फ तुमसे, क्योंकि हमेशा तुम मेरी कहानियाँ वापस लाते हो। मगर बाबूजी इस वक्त मैं आपकी कहानियाँ वापस नहीं लाया। तो फिर आपके लिए मनियाडा लाया है। मनियाडा? हाँ ये देखिए 60 रुपए। और अगले महीने की फिल्म कहानियाँ मैगजीन में आपकी कहानी भी छप रही है। क्या कह रहे हो? हाँ बाबूजी सच। अरे हाँ मैंने उस संपादक को चिट्ठी लिखा था कि ये कहानी अगर तुम नहीं छपोगे तो तुम्हारे पास मैंने बहुत सारी कहानियाँ भेज दूंगा। सच डर के मारे आप छप रहा। साइन करना पड़ेगा। अब तक तो किया नहीं है, कर ही डालो। ये पकड़ो इसको। सुमिता बाबूजी अरे बाबूजी पैसे तो नहीं भेजाइए। पूरे 60 है ना? बिल्कुल 60 है बाबूजी। ठीक है ना? सुमित्रा सुमित्रा क्या है? अरे सुमित्रा मेरी स्टोरी मैगजीन में छप रही है, ये देखो 50 रुपए की मनी उड़ रही है। देखती नहीं मैं मसाला पीस रही हूँ, टेबल पर रख दो। चल जी बेटे ले आ स्याही, ले आ पूरा कागज, लिखता जा लिखता जा लिखता जा। बोदी वैसे लाया? मैं काम कर रही हूँ। बोला टेबल पर रख दे।
अरे 50 रुपए कहाँ गए? भोला अभी राशन लेकर आया था। भोला, बाबा भोला, वो टाइम को तू ही राशन लाकर टेबल पर रखा था ना? हाँ बोली, क्या बात है? आमी टेबल पर 50 रुपए रखा था। किधर गए रुपए? बोली, आमी जाने ना, तुम नहीं जानोगे तो और कौन जानेगा? तुम्हारे सिवा हमारे घर में कोई नहीं आया। दादा मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम रुपए कैसे उठाए। वो फिर काला चोर ले गया क्या? हमारे घर में भी चोरी हुई, किसी ने मेरी नाक चुरा ली। चाल में चोरी की बीमारी ऐसी चल पड़ी है कि मत पूछो। अजी मेरे भी चांदी के 2 गिलास चोरी हुए हैं और मेरे आनंद के सोने की चेन भी चोरी हो गई है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरी बात है। इसका मतलब चोर बाहर का नहीं है। हाँ, बस पकड़ में नहीं आता। हम सब जानती थी पर बोलती नहीं थी, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। तू घर में आया और चांदी के गिलास गायब, वो भी एक नहीं 2। आया पर खाना लेने और खा गया सोने की चेन। तो अब चुपचाप बैठने से क्या फायदा? मैं पूछती हूँ, इस चाल में कोई कहने सुनने वाला है या नहीं? बोला ये सब लोग क्या कह रहे हैं? मैं क्या बताऊँ बाबूजी? अरे तुम किधर चल दिए चाचा? बाबूजी इस चाल में आप सबसे बड़े हैं, आप ही पूछिए। रेणु जी की चांदी के गिलास, ताई की नथ, आनंद भैया की सोने की चेन और भाभी के टेबल पर रखे 50 रुपए नगद, ये सब कहाँ गए? कहाँ गए ये सब? हाँ आप लोग प्राची की घड़ी का नाम लेना भूल गए। अरे वाह, सबको सुनकर भी चुपचाप चल दिए। तुम ही बताओ कि इसका मतलब क्या है? अब बातों से काम नहीं चलेगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम लोग इसके सामान की तलाशी लो, 40 रुपए वहां रखे हैं, मैं इसकी तलाशी लेता हूँ। जीवन बाबू, आप मेरी बात को सुन। अरे चुप, जो कुछ तेरे जेब में सब बाहर निकाल, निकाल बाहर। जीवन बाबू मेरे तू तलाशी ले, आप लोग मेरी बात आ जा, ऐसे आप लोग मिल जाए रुपए। एक 2 3 4 5 पूरे 50। याद रख, चोर कभी नहीं बचता, एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। बोल बोल कहाँ से आए रुपए? तूने अभी अभी कसम खाई थी ना कि तूने रुपए नहीं चुराए? पहले कैसा कढ़ाई में पड़े मटर की तरह पटर पटर बोलता था, अब क्या मुंह में दही जम गया? बोल। मैं सच कहता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर बता पूरे 50 रुपए कहाँ से आए? ये मेरी मेहनत की कमाई है। क्या मेहनत की तूने? कैसे कमाए तूने? बोल। अरे बोल ना। ये रुपए मैंने ये देखो तो कैसे उल्लू की तरह जीते फाड़ फाड़ के देख रहा है। ये ऐसे नहीं कबूलेगा, मार पड़ेगी तब बोलेगा। तुम्हें बाबू मुझे मारिए नहीं, रुपए खोना जा, इसलिए मैंने इन्हें अपनी जेब में रखे थे। राम नाम जपना और पराया माल अपना, रुपए जेब में रखने से क्या तेरे बाप क्यों गए? अच्छा बच्चू, तो अब मालूम पड़ा रातों को तुम कहाँ गायब हो जाते। हाँ हाँ, क्योंकि ये रात को यहाँ नहीं सोता था। अरे चौल में चुराया हुआ माल रात में जाकर बेचता है और सुबह आकर चुपचाप सो जाता है। ऐसी बात नहीं है, अपने ध्यान की फीस भरने के लिए ये मैंने अपनी मेहनत से कमाए। कमाने वाले का मुंह तो देखो। बोली तेरे रुपए मुझे वापस दे दे। क्या रुपये? ये मेरे हाथ की कमाई है। ये तेरे हाथ की कमाई नहीं, तेरे हाथ की सफाई है। बोली अरे हमारी हमारी इसे हम पूरी किसी लेके जाएंगे। इतनी मच्छी बाजार लगा रखा है। राजी मैं चोर नहीं हूँ। प्राजी कौन कहता है तू चोर है? और तू कभी चोर नहीं हो सकता। बोलिया चाल के सब लोग जान गए कि यही चोर है, तो फिर तुम्हारे अकेले के कहने से क्या होता है? अब बढ़िया चल यार, तय 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 लगा रखी है। कहा उल्लू के पट्टे मिलकर एक हंस को कौआ कहे तो वो कौआ बन जाएगा। तो क्या ये तेरा सगे वाला है? ये मार खाने से ठीक है, पीटना चाहिए। और किसी ने भोले पे हाथ उठाया तो मैं उसके हाथ गाजर मूली की तरह तोड़ दूंगा। चलो दबा जाओ। हम क्यों जाए? नहीं जाते, और पार्टी तो मैं एक एक दिन। अब बोलिया तू फिक्र ना कर, दिन में से कोई भी अगर तेरी तरफ आंख निकाल के देखे ना तो तू प्राचीन आवाज नहीं, मैं नदी आंख काट लूंगा, समझा? बाबूजी, बाबूजी, आप इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या आप भी दूसरों की तरह समझते हैं कि चोरी मैंने की है? मैं सच कहता हूँ बाबूजी, मैं चोर नहीं हूँ। वो जो रुपए मेरी जेब में थे वो मेरी मेहनत की मजूरी के थे, मुझ पर यकीन कीजिए बाबूजी। बोला तू समझता है ये सारी सफाई देने से मैं मान लूंगा? रुपए तूने नहीं चुराए बाबूजी? जब सब लोग कह रहे थे नट गई, चांदी के गिलास गए,
ये गया वो गया, तब तुमने एकदम क्या कहा? मैंने कहा बाबूजी कि आप लोग प्राची की घड़ी का नाम लेना भूल गए। यही बात है भोला, अगर तुमने सचमुच चोरी की होती तो तुम घड़ी की याद कभी ना दिलाते। ऐसे मासूम लफ्ज किसी पापी के मुंह से कभी नहीं निकलते। भोला कभी नहीं। बाबूजी मुझे दूसरों की परवाह नहीं, लेकिन आपने मुझे गलत नहीं समझा, यही मेरे लिए बहुत है। सबके सामने मैं ये नहीं बता सका कि वो 50 रुपए मैंने कैसे कमाए, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, आपको सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। किए गए हो। मैं अपने इम्तिहान की फीस देने के लिए उस गंदे होटल में काम करता था। मुझे 5 रुपए रोज मिलते थे, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि मंजिल नेक होना ही काफी नहीं, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता भी नेक होना चाहिए। मुझे मेरे पाप की सजा मिल गई। एक रात मुझे पुलिस स्टेशन में काटनी पड़ी,
लेकिन जब दूसरे दिन पुलिस वालों को मालूम हुआ कि मेरा उस टोले से कोई संबंध नहीं, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। बाबू जी, अब आप ही बताइए, ये सब बातें मैं उन लोगों के सामने कैसे कहता? वो लोग तो मुझे वैसे ही हिफाजत की नजर से देखते हैं। अगर उन्हें ये पता चल जाता कि मैंने एक रात पुलिस स्टेशन में काटी है, तो वो लोग धक्के मार के मुझे इस चाल से निकाल देते, फिर मैं कहां जाता? बोला, बीती बात उनको एक भयानक सपना समझकर भूल जा, मैं भी सब भूल जाता। अरे हाँ बोला, तुझे फीस देने के लिए 50 रुपए की जरूरत है ना? हाँ। कल मुझसे ले जाना। हाँ बुझी। जा। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मिसवा, मेरे मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत। कौन? गौरी। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बैठो ना। नहीं नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। अच्छा, तो कुछ बातें करें। गौरी जी, मुझे डर लगता है आपको। इस तरह चुप बैठना बेकार है। हाँ, बोले तो क्या बोलूं? कुछ भी। कुछ भी? और सुनाइए, क्या हालचाल है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये भी कोई बोलना है? नहीं तो क्या रोना है? बोला, देखो जब तक तुम नहीं बोलोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ओफो, अब मैं क्या बोलूं? हाँ, मुगल सम्राट अकबर है ना? हाँ, हाँ क्या है, कहाँ वो? अरे बाबा, वो थे। उनके जमाने में मुगल साम्राज्य की बड़ी उन्नति थी। लोगों के हृदय में अच्छे अच्छे विचार और परिवर्तन लाने में वे बड़े ही सफल हुए, ये आप जानती हैं। ये गलत है। गलत है? अरे ये तो सब इतिहास में लिखा हुआ है, अगर आप चाहती तो पढ़ के देख लीजिए। नहीं बोला, मैं ये नहीं कह रही, ये कह रही हूँ कि तुम मुझे आप कहती हो, ये गलत है। तो फिर मैं आपको क्या कहूँ? मैं तुम्हें तुम कहूँगी, तुम मुझे तुम कहो। ठीक है, जब आप कहती हैं तो मैं आपको तुम कहूँगा। आप नहीं, गौरी तुम्हें नींद नहीं आती? कैसे आए, तुम लोगों ने तुम्हें चोर कहा, डांटा, मारा, फटकारा। गौरी, तुम्हें मेरी इतनी चिंता है? लो, घंटी बज गई, मैं जाता हूँ। घंटी? हाँ, वो अपने खांसने वाले दादाजी है ना, वो अगर सुबह खांसे तो समझो 9 बज गए, शाम को खांसे तो समझो 6 बज गए, रात को खांसे तो समझो 11 बज गए। हाँ। मेरे लिए तो वो घड़ी है, उनको दवाई पिलानी है, मैं जाता हूँ। आया दादाजी। बड़े से बड़ा बोझ उठा सकता हूँ, लेकिन चोरी की बदनामी का बोझ मैं एक दिन का भर भी नहीं उठा सकता। मेरे बच्चे, ये मैं नहीं, एक माँ अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर कह रही है, तू नहीं जानता भोला, एक बेटा अपनी माँ के लिए क्या नहीं कर सकता। माँ, माँ कहता है ना, तो कोई देखे इससे पहले ये कभी वहीं पर डाला। आस्तीन के साथ जिसने दूध पिलाया उसी को डस दिया। देखो देखो जी, देखो, आज इस चोर को रंगे हाथ मेरे भाई को हाथ पकड़ दिया, मेरे भाई को हाथ पकड़ दिया।
क्या बनेगा? मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोर नहीं की। अरे चोर के बच्चे, ये क्या नया मामला है? नई कमीज है। बोला नहीं, कमीज ऊपर टूट रही है। अरे ये तो मेरे भैया की कमीज है। ये मुआ जिस थाने में खाता है उसी में छेद करता है। बाबूजी बोला, क्या तू भूल गया? आज गेहूँ कितना महंगा है, सब्जियाँ कितनी तेज है, फिर भी मैं कितने प्यार से तुझे खाना खिलाती हूँ। सच सच बता भोला, क्या बात है? बाबा मैं तुझे खाना खिलाती हूँ ना, मैं तेरी माँ हूँ ना। सच सच बोल बेटा, सच सच बोल, तेरी माँ तुझसे पूछ रही है। बता ना भोला, क्या बात है? मैं तेरी माँ हूँ बेटा। ये कमीज मैंने चुराई है। बोला ये कमीज तूने सचमुच चुराई है? हाँ, मैंने भूल से उठा ली। उसका मतलब वो चांदी का गिलास, सोने की चेन, वो नथ, वो रुपए तूने सब चुराए। आप प्राजी की घड़ी का नाम लेना भूल गए। उस दिन तो आप भोले की बड़ी तारीफ कर रहे थे, सबको धमकी दे रहे थे, अब क्या हो गया? साफ सुन गया? तो क्या मैं सपने में भी नहीं मान सकता कि तू चोर है। क्या तूने चोरी की? कहते तूने चोरी नहीं की, कह दे तूने चोरी नहीं की। राजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती हो गई। तेरी गलती हो गई? चक्के, मैं तुझ पर कितना घमंड करता था, बिना सहन कर करता था। आज तूने मेरा सर नीचा कर दिया। कभी ने शेर सिंह, ये अधूरी मार मैं पूरी करूंगा, मैं ठीक करूंगा इसे। जाने दीजिए मनोहर लाल जी, कुछ उल्टा सुल्टा ना हो जाए। कुछ उल्टा सुल्टा नहीं होगा, मैं सब सीधा कर लूंगा। बहुत दिनों तक जब्त कर लिया। गौरी की मां, तुमने इसे महंगे गेहूं खिलाए, हाँ महंगी साग भाजी खिलाई, फिर भी इसने कभी चिराई। बदमाश, लफंगे, चोटे। अरे पिताजी, पिताजी क्या कर रहे हैं? पिताजी, पिताजी मुझे बचाओ, बचाओ पिताजी, पिताजी क्या कर रहे हैं? क्या गौरी भोला ने किया ना? अभी भी आप लोग नहीं समझे? मैं समझाती हूँ। ये रहा सारा चोरी का सामान, और ये कमाल मेरे मोहन मामा का है। हैरान, तू क्या ये चोरी मोहन ने की? हाँ, सारी चीजें चुरा के सूटकेस में रखी थी। ये लीजिए आपका चांदी का गिलास, दूसरा गिलास ये, मेरी नथ ये, और मेरी सोने की चेन। थैंक यू। चेतन भैया, चेतन भैया, चेतन भैया, ये आपके लिए ठीक है ना? अब तो मिल गई ना सबको अपने अपने चीजें, अब जा, क्यों खड़े हो? जा ना। हाँ भाई, घर को अपने अपने घर को, माजी बहुत गर्म हो गई है। मेरे भैया की कमीज है। ये चोर मुझे बदनाम करने के लिए आगरे से बंबई आया था। इस साले को मेरा साला मत समझो, बुलाओ पुलिस को, कर दो इसे पुलिस के हवाले। जीजा जी मुझे माफ कर दीजिए। जीजा जी बाबूजी, मोहन बाबू को माफ कर दीजिए। बोला भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूं। ठीक ठीक है, पहले तू घर से बाहर निकल। निकल तो अबे चल। राजी मैं आपको बताना ही भूल गया, आज मैंने पंजाबी होटल शेरे पंजाब में खाना खाया। चले भटूरे बहुत अच्छे थे। राजी राजी भटूरे कैसे बनते हैं? बोले यार तू समझता है कि यह इधर उधर की बातें करके? नहीं नहीं, पंजाबी होटल का खाना नहीं खाया,
तूने पंजाबी के हाथ का थप्पड़ खाया है। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मुंह नहीं दिखा सकता। ऐसा ना कहिए पाजी, आपके हाथ के थप्पड़ खाने का मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं तो डर रहा था कहीं कहीं हमारी दोस्ती ना टूट जाए। पाजी, मैं दोस्त की मौत सह सकता हूँ, लेकिन दोस्ती की मौत नहीं बर्दाश्त कर सकता। बुजुर्ग ठीक कहते, जल्दी काम शैतान का। मेरी जल्दबाजी की सजा यह है कि जिस घड़ी की वजह से मेरे दिल में तेरे लिए मैल पैदा हुआ, मैं उस घड़ी को बांधने के लायक। तू ये घड़ी अपनी कलाई में बांध ले। नहीं नहीं पाजी, नहीं, आप इसे खोल और मैं पाऊं ये नहीं होती। मैं कहता हूं ले। नहीं पाजी, ले। नहीं, अगर ये घड़ी भोला की कलाई पे नहीं तो ये घड़ी खाई में। बोलिया, तेनू याद है मैं कहा करता था कि मुझे दुनिया में तीन चीजें बड़ी प्यारी हैं। हाँ प्राची, पहली तो आपकी माँ, दूसरी एक खड़ी, और तीसरी आपकी अकल। नहीं, उन अकल नहीं, तीसरा मेरा भोला। प्राची, बोलिया। ये क्या? बेनी, तुम हमेशा जूड़ा बनाती हो ना, इसे पहन लो। क्यों? मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी सुंदरता, देखकर चंदा भी शर्मा जाएगा। और तुम? अब जब चंदा शर्मा जाएगा तो बंदा बेहोश हो जाएगा। फिर मैं नहीं पहनूं। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, पहन लो ना। ओला विवेक भैया, बैठो ना। सुना है इस चाल के लोगों ने तुम्हें चोर की पदवी देकर तुम्हारा बड़ा ही सम्मान किया। हाँ, लेकिन वो पदवी उन्होंने वापस ले ली। मैं एक बात बताऊं, इस चाल के लोग तुम्हारी कीमत नहीं जानते, सिर्फ पिताजी ने तुम्हें परखा है। तभी तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए किताबें दिलाई। मेरे समझ में नहीं आता मैं उनके एहसान कैसे चुकाऊं। उसका मौका अब जल्दी आएगा। पिताजी सोचते हैं कि तुम्हारी शादी मेरी बहन शांति के साथ। मेरी शादी तुम्हारे पिताजी नहीं, तुम्हारी बहन के साथ। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ भैया, और शादी की बातचीत करने के लिए पिताजी खुद ही आएंगे। पिताजी क्यों आ रहे हैं? मुझे बुला लिया होता मैं खुद चला आता। शादी का नाम सुनते तुम इतने बेचैन हो रहे हो? धीरज रखो भैया। अच्छा, पिताजी के आने का वक्त हो गया, मैं तो चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। शादी मुबारक हो। आज तक मैं समझ रही थी कि तुम्हारे प्रोफेसर तुम्हें सिर्फ किताबें ही देते हैं, लेकिन आज मालूम हुआ कि वो अपनी कन्या देने को भी तैयार है। कैसी है लड़की, कब हो रही है शादी? गौरी, तुम्हें ये सुनकर बुरा नहीं लगा? नहीं तो? जरा भी? बिल्कुल नहीं, शादी तो खुशी की बात है, सबको खुशी होती है, किसी को बुरा क्यों लगे? सब खुश हो ये तो ठीक है, क्या गौरी भी खुश हो सकती है? मुझे ये क्यों पूछ रहे हो? तुमसे मैं तुमसे ये बोल क्यों अटक रहे हैं तुम्हारे गले में? मैं समझा था मेरी शादी किसी और लड़की के साथ हो रही है, ये सुनकर तुम्हारा दिल टूट जाएगा। अरे बोला, जब ससुर जी जमाई जी को देखने आ रहे हो तो जमाई जी को इस तरह की पोशाक पहननी चाहिए। अरे तुम्हें तो श्रृंगार करना चाहिए, समझी? तुमने दिया था ना गौरी? क्या गौरी? भोला, भोला सर। नमस्ते सर। कैसे हो भोला? अच्छा हो, अच्छा हो सर। आइए सर। सर आप कहाँ बैठेंगे? सोफा भी नहीं, कुर्सी भी नहीं, मोड़े। थैंक यू सर। मैं आपके लिए क्या लाऊं? ठंडी चाहिए, गर्म? थैंक यू भोला। भोला, मैं अक्सर तुम्हारे बारे में पूछते रहता हूँ। जी देखो भोला, जिंदगी में तरक्की करने के लिए एक अच्छे माहौल की जरूरत है। जी विवेक ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। जी मुझे आशा है कि मेरी बेटी से शादी करना तुम्हें मंजूर है। जी 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 हाँ सर। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर आप क्यों चले आए? आप मुझे बुला लेते, मैं खुद बहुत चला आता। बोला मेरे साथ मेरे घर में।
ये कौन है? मेरे कॉलेज का प्रोफेसर है। नमस्ते सर। हेला, ये प्रोफेसर है। और मैं नहीं से पूछती हूँ। सर, आप प्रोफेसर हैं। और मैं पागल, 10 बरस से पागल। चाल का बच्चा बच्चा जानता है कि मैं पागल हूँ। फिर भी ये बोला मुझसे शादी करने को तैयार है। सर, आप ही बताइए ना सर, मुझसे शादी करने के लिए कौन राजी होगा? भोला को तो 10 लड़कियाँ मिल जाएंगी, लेकिन मेरे लिए एक ही भोला है। गौरी, ये क्या बात कर रही है? अरे तुम चुप करो, तुमसे कौन बात कर रहा है? मैं प्रोफेसर साहब से बात कर रही हूँ, अपने इंसाफ का तकाजा कर रही हूँ। सर बोलिए, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? बोलिए ना सर। नहीं बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही। ठीक कहा आपने, कह दिया ठीक है तो सब ठीक है। भोला ठीक है सर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोला, गौरी, क्या कर रही है तुम? अगली सॉरी सर। कोई बात नहीं बोले सर, मैं गौरी से नहीं सर, गौरी मुझसे नहीं सर। जैसे आप मुझसे प्यार करते हैं वैसे गौरी और मैं आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं। मेरे प्राजी है ना शेर सिंह जी, उन्होंने कहा बेटा शौक से कर, तो मैंने भी शौक से प्यार करना शुरू कर दिया। ये उसी का नतीजा है सर। वो बेचारी बाल खोल कर चली आई थी, सब चाल वाले उसे पागल समझते हैं, लेकिन सर वो बहुत अच्छी है। आप उसे पागल ना समझिएगा। नहीं बोले, अगर मैं इतना भी ना समझूं तो मुझे प्रोफेसर कहलाने का कोई अधिकार नहीं। देखो भोले, किस चतुराई से और खूबसूरती से उसने इशारा दिया कि वो तुमसे प्रेम करती है। आप उसकी फिक्र ना करिए। मुझे कोई फिक्र नहीं, बल्कि खुशी है, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन भोले, इन बातों के फेर में पढ़कर ये मत भूल जाना कि तुम्हारा इम्तिहान आ रहा है। नहीं नहीं सर, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। वैसे भी सर, गौरी मुझे पढ़ाई में बड़ी मदद करती है। वो कैसे? सर, मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ ना, तो जो कोई मुझे परेशान करने आता है तो गौरी उसे बर्तन फेंक फेंक कर मारती है। और वो परेशान करने वाला आदमी बर्तन की मार खाकर भाग जाता है सर। ओ लो, मैं भी भागता हूँ। सर, कॉलेज में किसी से चाहिएगा नहीं, वरना कॉलेज की दीवारों पर मेरा नाम छप जाएगा। तुम चिंता न करो भोले। गौरी, ये क्या किया तुमने? बड़ों के सामने ऐसा करना ठीक नहीं। क्या किया मैंने? तो पागलों की तरह चिल्लाती रही। क्यों, मैं पगली नहीं? समझ में नहीं आता तुम किस ढंग की पगली हो। तुम्हारी जगह तो दूसरी लड़की होती तो रसोई में बैठकर रोती रहती, और तुम ये सोचते रहते कि प्रोफेसर साहब को ना कैसे करूं और उनकी लड़की से शादी कर लेते, और मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए खो देती। बोला, मैं तुम्हें खोने के लिए तैयार हूँ, समझे? समझा। क्या समझे? जो तुमने समझाया। क्या समझाया मैंने? मुझे शर्म आती है। Arrra!
चांदा तारे सोए, ये मस्त नजारे सोए, रात का जादू छाया, हम तुम दिन सारे सोए। कैसे हमें नींद आए, हम दोनों हैं दिल के रोगी, जोगी ओ जोगी, हर प्यार में क्या होगा, हर जोगी ओ जोगी, प्यार में क्या होगा, हर दिन सुहाना होगा, हर रात जमीन पे नहीं टिक रहे। ये गल है राजी, वो लड़की है ना गौरी, बड़ी अच्छी है, बहुत होशियार है, वो मुझसे प्यार करती है। सच सच बिल्कुल बिल्कुल एकदम एकदम प्राजी प्राजी, पहले मेरा दिल खाली डिब्बे की तरह था, लेकिन अब प्यार की बातों से एकदम हाउसफुल हो गया है। ओए तो डिब्बा खोल दे, जो तेरे दिल में है मुंह से बोल दे। जी तो मेरा भी यही चाहता है प्राजी, लेकिन क्या करूं, एक मुसीबत है। क्या मुसीबत? जब भी गौरी सामने आती तो लफ बाहर नहीं निकलते, जबान पर ताले पड़ जाते हैं। ओए जबान पर ही ताला पड़ जाता है ना, कलम दबात पर तो ताला नहीं पड़ जाता, सारी बातें उसे खत में लिखते हैं। क्या कहा, खत? हाँ, यानी कि चिट्ठी, यानी कि पत्र, यानी कि प्रेम पत्र। अरे हाँ, शौक से लिख दे। और प्राजी तो जिंदा रहे। बदमाश कहेगा। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। तुझको पुकारे मेरे, तुमने मुझे बुलाने के लिए गीत गाया और मैं आ गया, लेकिन अब गाने वाने की क्या जरूरत है, अब तो दिल खोल के बात करने की जरूरत है। मैं तुमसे पवित्र प्रेम करता हूं। देखा, दिल की बात जबान तक नहीं आ रही, इसलिए मैंने इस कोरे कागज पर सब कुछ लिख दिया है। तुम ये पत्र अकेले में पढ़ना। हाँ, ये मेरा पहला प्रेम पत्र। मुझे प्रेम पत्र लिखता है, मेरे हाथ में देता है। इन दहाड़े मेरी बहन को प्रेम पत्र देता है। जीवन भैया, आपकी बहन को प्रेम पत्र दिया, ये मेरी गलती है। ये भोला बनता है, भोला और लिखता है प्रेम पत्र। क्या प्रेम पत्र? हाँ बाजी, मेरी सुवर्ण सुंदरी, कश्मीर की कन्या, चौधरी का चांद। जब प्यार किसी से होता है तो आरजू भरी आंखें गीत गाती हैं,
मगर प्यार किया तो डरना क्या? अय्या, सब सिनेमा के नाम लेके कितना सुंदर प्रेम पत्र लिखा है। सिनेमा को छोड़, आगे पढ़, आगे पढ़। दो बजे प्रेम पत्र जब सबके सामने पढ़े जाते हैं। अरे पढ़ने दो ना, इस संगीत सम्राट ने तो मुझे कभी प्रेम पत्र नहीं लिखे। रहने दो, लिखना बुरी बात, पढ़ना बुरी बात। सबसे बुरी बात यह है, जहाँ लड़कियाँ रहे वहाँ कोई प्रेम पत्र लिखने वाला रहे, इसे तो फौरन निकाल देना चाहिए। आज इसको लिखा, कल मेरी बेटी को लिखेगा। क्यों? हाँ हाँ क्यों ना? हाँ दूंगा। पटकना कुत्ता सबको काटता है। माँ जी मुझे कुत्ता ना कहिए। क्यों ना कहे, कुत्ता ही तो घर घर जाके रोटी के लिए दूध लाता है। हाँ हाँ कुत्ता ही तो जीने के लिए पड़ा रहता है। इसे पकड़ के पीटना चाहिए। हाँ हंटर लगाने चाहिए, जैसे राम और श्याम पिक्चर में दिलीप कुमार ने प्राण को लगाए थे। अरे उधर क्या देखता है, दीन दयाल या राम दयाल कोई नहीं बचा सकता तुझे। उन महाशय को ही अपनी ढाल समझता है, क्योंकि वो साहब इसकी हमेशा तरफदारी किया करते हैं ना। आइए आइए ना। स्वागतम, चलिए आगे। अपने भोले राजा का भी बचाव कर ले। आपके माने हुए इस पुत्री ने मुझे प्रेम पत्र लिखा है। सुन लिया आपने, आपकी गौ जैसे भोले ने कैसा भोलापन दिखाया। अब भी आप इस गाय से प्यार करेंगे? बोलिए। गाय से तो जरूर प्यार करना चाहिए, लेकिन अगर वही गाय बगीचे में घुसकर फूल पत्तों का नुकसान करे तो गाय को मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। हमने भी कहा और इन्होंने भी कह दिया, अब निकालो इस गधे को बाहर। एक मिनट भी नहीं रहने देना चाहिए शैतान को यहाँ पर। उठाओ अपना बिस्तर बोरी। नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी सजा ना दीजिए मुझे। खामोश दलील कुत्ते, चले आ चल से। ठीक है जीवन बाबू, मैं चला जाता हूँ। इस चाल से मैं उस अनार की तरह जा रहा हूँ, जिसको ये पता नहीं कि उसको कौन है, वो कहाँ जाएगा। लेकिन जाने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बाबूजी मैंने कोई गलत काम नहीं किया। बस बस भोला, अब तुम चले जाओ। ठीक है बाबूजी, ठीक है, अब तो आप भी कहने लगे कि चला जाएगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगा बाबूजी, नहीं रहूंगा। मेरा एक काम करिएगा, मेरे दादी यहाँ पर नहीं है, जब वो आएंगे तो उनसे कह देना कि उनका बदमाश भोला यहाँ से चला गया, हमेशा हमेशा के लिए चला गया। खांसने की आवाज एकदम बंद हो गई। दादा को खांसी से हमेशा के लिए छुट्टी मिल गई, वो चप सही। राम राम राम, मुर्दा कब तक घर में पड़ा रहेगा? लाश वो भी लावारिस। हाँ मतलब किसी लावारिस को बुलाकर उठवा देनी चाहिए। अरे हाँ भोला को बुलाओ, वही है आना। जल्दी बुलाओ, जाओ जाओ जल्दी से भोला बुलाओ, जाओ। भोला भोला भोला, खांसी वाले दादाजी चल बसे। आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। हाँ हाँ हम सब ने तुझे माफ कर दिया, अब इस घर से जाने की जरूरत नहीं। अंदर जा और आगे का काम काज देख। दादाजी मैंने सबसे विदा ली, लेकिन आपसे विदा लेना भूल गया था, और आप सबसे विदा लेकर हमेशा के लिए चले गए। बाबूजी दादाजी को स्मशान ले जाना है,
कंधा देने के लिए चार आदमी चाहिए। अब मैं क्या करूं, सबके सब चले गए, दादाजी के अंतिम संस्कार कैसे होंगे? कंधा देने के लिए कम से कम चार आदमी तो चाहिए। बोले यार, दादा बेचारा गरीब था ना, अगर अमीर होता तो ये सब लोग उसे घेरे रहते, कंधे पे कंधा देने के लिए आपस में लड़ मरते। पर तू फिक्र ना कर, चार आदमी चाहिए ना, दो के बराबर मैं बाबू जी हैं, तू है, चल आप। बाबू जी आज से इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बाबू जी लगता है आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। बोला, दूध से भरे घड़े में अगर जहर की एक बूंद मिल जाए सारे दूध को खराब कर देती है। बाबू जी मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, मैंने प्रेम पत्र जरूर लिखा, लेकिन बाबू सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लिखाई पढ़ाई में ध्यान देते हैं, प्यार मोहब्बत में ध्यान देने वाला लड़का कभी कामयाब नहीं होता। मैंने तो अपनी गलती की माफी मांग ली, सबने मुझे माफ कर दिया। हाँ हाँ सबने माफ कर दिया, लेकिन क्यों? इसलिए कि उन्हें तुम्हारी जरूरत थी, उस लावारिश लाश को उठाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत थी, इसलिए माफ कर दिया। लेकिन तुम मेरे विचार इतनी आसानी से नहीं बदल सकते। बाबू जी मैं आपके बेटे जैसा हूं। बाबू जी अरे भोला, मैंने तुझे अपने बेटे से ज्यादा समझा, इसलिए माफ नहीं करूंगा। बाबू जी मैं सच कहता हूं, अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मेरा यहां रह के क्या फायदा? मैं यहां से चला जाता हूं, इस चाल से चला जाता हूं। तुम इस चाल से जाओ या ना जाओ, लेकिन तुम यहां से चले। बाबू जी मेरी बात तो सुनो, मैं इम्तिहान देने जा रहा हूं, पहला पर्चे देने से पहले आपके चरण छूने की कोई जरूरत नहीं, जाओ भगवान से आशीर्वाद लो। ऐसा ना कहिए बाबू जी, ऐसा ना कहिए, आप ही तो मेरे भगवान हैं, अगर आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे तो मैं ठीक तरह से पर्चे नहीं कर पाऊंगा, मुझे इम्तिहान जाने देर हो रही। बाबू जी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए ना बाबू जी। ठीक है बाबू जी, आप दरवाजा मत खोलिए, लेकिन आज मैं आपके पैरों में गिरकर आशीर्वाद लेकर ही रहूंगा। बाबूजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपका भोला हूं, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं इम्तिहान में नाकामयाब रहूं? बाबूजी अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं ऐसे पत्र लिखूंगा कि बस कमाल कर दूंगा। उठो भोला, उठो मेरे बच्चे, तुम अगर अच्छे पर्चे नहीं लिखोगे तो और कौन लिखेगा? बाबूजी मैं तो डर गया था कि शायद मुझे आपका आशीर्वाद ना मिले। नहीं भोला, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ, तुम ऐसे पर्चे लिखो कि बस कलम तोड़ दो, जाओ जल्दी जाओ, तुम्हें देर हो रही है। लेकिन भोला भोला तुम मेरे दिल से ना जाना, तुम हमेशा यही रहना। बाबूजी बोला, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, प्यार में होने वाली तकरार की उम्र लंबी नहीं होती। बाबूजी बोला 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 क्या बोला, तुम्हें देर हो रही है। करने वालों के
अरे तुम तो प्यार करने वाले के सीने में भी नफरत भर दोगी। तो समझने की कोशिश कर, मुझे गाने का रियाज करना है। रियाज तो तुम बरसों से कर रहे हो, आज तक कुछ फायदा हुआ है? हुआ नहीं, मगर होने वाला है। देखती जाओ मैं कैसा गाता हूँ और लोग कैसे दंग रहते हैं। मल्हार मालकाओं बहार। जानती हूँ जानती हूँ, तुम मालकाओं गाते हो तो मालगाड़ी के इंजन की आवाज आती है, वो, वो। और तुम बाहर गाने लगते हो तो लोग बाहर जाने लगते। अरे चुप, अगर लोगों को मेरा गाना पसंद न होता तो कल मुझे सरस्वती मंडल में गाने का प्रोग्राम कैसे मिलता? कल तुम्हारा प्रोग्राम है? यस, 500 रुपए नगद मिलने वाले हैं। देख 200 रुपए मालगाड़ी का इंजन भो ही करती बैठ। मेरे सामने वाले कमरे में एक भाड़ का टट्टू रहता है। मेरे सामने वाले कमरे में एक भाड़ का टट्टू रहता है। अफसोस है उस टट्टू पे दिल मेरा लट्टू रहता है। मेरे सामने वाले कमरे में एक भाड़ का टट्टू रहता है। पूछो न कैसी मैंने बीवी पाई, पूछो न कैसी मैंने बीवी पाई। मर गया मैं तो भूखा प्यासा, मर गया मैं तो भूखा प्यासा। आप वो खाए दूध मलाई, पूछो न कैसी मैंने, पूछो न कैसी मैंने, पूछो न कैसी मैंने बीवी पाई। और क्या कमारे रामा, ठन 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 पैसा बारे, ठन 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 आ, ठन 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 तुम, ठन 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 आ। मेरे सपनों का राजा कब जाएगा तू, बंद होगा तेरा बाजा कब जाएगा तू। मैं न कहूंगी तू ना जा कब जाएगा तू, चला जा बना लिया मैंने अपना रूमाल। मैं तो चला हिरन की चाल, आहा फिल्मी गाना तुझे यूँ
अरे मोदी, वो ब्रेक बोला जा रहा है। आज तो इम्तिहान का आखिरी दिन है और अगर आज भी हमने उसे पर्चा पूरा करने दिया तो वो पास हो जाएगा। मुझे नकल नहीं मारने दी, कुछ से कुछ तो करना ही पड़ेगा। आइया आइया बोल। कॉलेज जा रहा था, कुछ लोग आए और कहने लगे प्यार से मत जा। मैंने कहा मैं जाऊंगा, बस मुझे पूरी तरह से मारा। तू पहचानता है वो लोग कौन थे? मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। नहीं प्राची नहीं, जान को जाने के लिए देर हो रही है, सिर्फ आधा घंटा रह गया। मैं पर्चा कैसे लिखूंगा प्राची? तो बोलिया पर्चा तुमने हाथों से लिखना है ना, पैरों से तो नहीं। चलो जी, काम में पूरी तरह से सख्ती हो गई। मैं कहता हूँ तू चुप कर। फिक्र न कर बोलिया, तू इम्तहान देगा, जरूर देगा। मैं तुझे अपने कंधों पे उठा के लेकर चल। अरे बाप रे, मारे गए। क्या हुआ? मैंने उन गुंडों से ये कहा था कि भोला को डराएं धमकाएं ताकि वो इम्तिहान में न जाते, लेकिन उन गधों ने उसकी टांग तोड़ दी। अब क्या होगा? अब भोला क्या है इसे तो कुछ कहना मत, चुप रहना बस। बहुत शुक्रिया बोलिया। चल बच्चे आ जा। बाजी हाँ। बड़ी मुश्किल से मैंने पर्चा पूरा किया। ओ तू फिक्र न कर काका, भाई गुरु ने चाहा तो तेरी फतेह होगी। बैठ। थाली लेकर दूसरों के दरवाजे पर जाकर कह रहे हैं कि भोला आ गया, मैं भोला आ गया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ओ तो इसमें बुरा क्या है? भगवान ना करे मेरा लारी वाला प्राजी कभी थाली वाला भोला बने। क्यों नहीं प्राजी? जो मैं कहता हूँ उसे आप कहें ये अच्छा नहीं लगता, और जो आप कहते हो उसे मैं कहूँ ये भी अच्छा नहीं लगता। तो क्यों अच्छा नहीं लगता तू कह दे? अच्छा नहीं लगता प्राजी। मैं कहता हूँ कह दे। नहीं प्राजी कह दे।
बदमाश कहीं का। अब इसलिए कह रहा था कि अच्छा नहीं लगता। बदमाश कहीं। मैं पास हो गया, मैंने भी पास कर लिया। शाम पास बोला। माफ करना भाई लोग, मैं पास हो गया। अरे इससे क्या कहते हो बोला, इन बेचारों की आंखें अखबार में अपना नंबर ढूंढते ढूंढते थक गई। बाबूजी, बाबूजी मैं पास हो गया। बाबू पास हो गया। हाँ माजी, माजी मैंने बीए पास कर लिया। गौरी, गौरी मैं पास हो गया, फर्स्ट क्लास में पास हुआ। हाँ गौरी, बाबूजी, बाबूजी मैं पास हो गया। बहुत अच्छे बोला, बहुत अच्छे बोला, तेरी मेहनत सफल। बाबूजी ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। ओ प्राजी, तुझे तू पास हो गया और वो भी फर्स्ट क्लास में। हाँ प्राजी, अगर उस दिन आप मुझे कंधे पर उठा के नहीं ले। कंधे की बात छोड़, वाहेगुरु की कृपा से तू बहुत बड़ा आदमी हो गया है। अब तू मेरे साथ तू तड़ांग से बात नहीं करनी चाहिए, भोला भोला नहीं कहना चाहिए। तो फिर क्या आप मुझे गोला गोला कह के पुकारेंगे? नहीं भाई, अब तू बीए हो गया है और मैंने एबी तक नहीं आती, अब मुझे तुझे भोला जी कहना चाहिए। नहीं नहीं है, श्रीमान भोला जी। राजी, हाँ। मैं तो ये भोला जी भी नहीं जानता और गोला जी भी नहीं जानता, आप सीधी तरह से मुझे भोला कहिए। भोला भी नहीं, बदमाश कहीं का कहिए। नहीं नहीं कहेंगे आप कभी नहीं। और अगर आपके मुंह से मैंने बदमाश कहीं का करवा दिया तो? मैंने चैलेंज करता है, मेरे सामने तू बच्चा है बच्चा, मैं सात जन्म तक तेनू बद नहीं कहूंगा। राजी सात जन्म तो छोड़ दीजिए, आपके वाया गुरु की सौगन, इसी जन्म में आपके मुंह से बदमाश कहीं का कहलवा दूंगा। देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ, देखता हूँ, देखता हूँ। राजी एक बार बदमाश कहीं का कहिए ना। नहीं कहूंगा। भोला भोला बेटे। हाँ माजी। मुझे बड़ी खुशी हुई तू पास हो गया। असल में माजी ये सब आप ही का आशीर्वाद है। मैंने तुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाया ना, इसीलिए तू पास हो गया। जा तू जरा दौड़ कर बाजार से सब्जी लिया, मैं लाती हूँ। माँ तू अंदर जा, इतनी तेज धूप में तू कहाँ जाएगी? इतनी तेज धूप में तो बेचारा भोला ही सब्जी लेने जा सकता है। माजी मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन पहले प्रोफेसर साहब के घर जाऊँ और उनसे आशीर्वाद लेना। पहले सब्जी फिर आशीर्वाद। ओहो माजी 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद सब्जी वगैरह सब ले आऊंगा। क्यों रे, नदियाँ पार करते ही नाव को भूल गया? मैंने तुझे रात दिन खाना खिलाया भूल गया? बड़ा लड्डू पेड़े हलवा पूरी खिलाया है इसे। बोलिया तू किसी का गुलाम नहीं। बोला सब्जी लाने जा। बोला अब तू बीए पास हो गया, जरा अपना रोब जमा। बोला मैं कहती हूँ सब्जी लाने जा। मैं कहता हूँ प्रोफेसर के जा। बोला सब्जी लाने जा। प्रोफेसर जा। अरे वो लड़का काम करना चाहता है, तू उसे बिगाड़ता है। अरे क्या आदमी है तू? अरे क्या औरत है तू? कोई है? तू क्यों रो रही है? आप तो देख रहे हैं भैया, ये लोग भोला को जरा भी आराम नहीं करने देते। कहाँ तक कितना काम करेगा बेचारा? पर तुझे भोले की इतनी फिक्र क्यों है? भोले को देखकर मुझे दया आती है, उसे इस तरह काम में पिछते देखकर मुझे बहुत दुख होता है। और भोला तो चंगा मुंडा है, इसीलिए सब कुछ सह लेता है। उसकी जगह कोई और होता ना तो इन सब की तो ऐसी की तैसी कर देता। जिस भगवान ने मेंढक को बनाया है, उसी भगवान ने मेंढक को खाने के लिए सांप को क्यों बनाया? अब देख भाई, मैं तो सीधा साधा आदमी है, जैसा मैं आदमी वैसे मेरी अकल। पर एक बात तू याद रख, जिस भगवान ने सांप को बनाया है, उसी भगवान ने सांप को नचाने के लिए सपेरा भी पैदा किया है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, आज मैं बहुत खुश हूँ बोले। आई एम वेरी हैप्पी। डैडी आपने भोला के लिए इसी इश्तहार के बारे में कहा था ना? हाँ हाँ बेटे, अच्छा हुआ तूने याद दिलाई। बोले कि दिल्ली के एड्रेस पर तुम्हें एक एप्लीकेशन थी, ऑफिसर की नौकरी है, तुम्हें जरूर मिल जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तुम फर्स्ट आए। सर मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बोले ये हाथ कोई मामूली हाथ नहीं है, गजब की रेखाएं हैं आगे तुम्हारी राह देख रहा। तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे भोले, बहुत बड़े। आप इस चाल में रहता रहता तो है, आप कौन? मैं बताता हूँ, आदमी हिंदुस्तानी, जिला होशियारपुर, गांव परोवाल, स्टेशन सैलापुर, दादे दनो, बबर सिंह, बाप दनो, बाद सिंह और शेर दनो, शेर सिंह। आप कौन से सिंह हैं? हम कोई सिंह नहीं, हम सिंगापुर से आया। सिंगापुर? सिंगापुर हाँ। हम सुना इस चौल में कोई यतीम, कोई अनाथ लड़का। बोला हाँ, बोला बोला
ये सच बोला, किधर बोला, हम उसकी तलाश में इधर आया। क्या तकलीफ है आपको? क्या बोलेगा? भोला माई सन, मेरा बेटा। भोला आपका बेटा? यकीन नहीं आता, वो बेचारा तो यतीम है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो यतीम नहीं है, हम उसका बाप है। भोला जब 6 बरस का था, हमारे पास कमाई का कोई जरिया नहीं था, बेकारी से तंग आकर हम अपने छोटे से बच्चे को बंबई में छोड़कर पैसा कमाने के लिए सिंगापुर चला गया। अभी हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। और लानत हो ऐसे पैसे पर, बेटा बेचारा यहाँ भीख मांग मांग कर अपना पेट भरता है और बाप लाखों रुपए कमाकर सिंगापुर में मौत करता है। फिटे मुंह ऐसे बाप पर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। उस वक्त गरीबी और बेकारी ने हमको मजबूर बना दिया था, हम अपने बेटे की परवरिश का बोझ नहीं उठा सकता था। लेकिन आज आज हम इस काबिल है कि ऐसा 40 साल खरीद कर हम अपना बेटा भोला के नाम कर सकता है। लेकिन आपके पास इसका क्या सबूत है कि भोला आपका पुत्र है? तुम कैसी बात बोलता, क्या खून खून को नहीं बचाने का? और फिर हमारा भोला के कंधा पर एक काला निशान है, तुम क्या बोलता उसको? मस्ता मस्ता है। मस्ता तो हमारे भोले के कंधे पर भी है। हाँ, तो इसका मतलब है कि भोला मेरा ही बच्चा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भोला मेरा भोला लाखपति है। लाखपति मत बोलो, करोड़पति बोलो, करोड़पति। लेकिन इस वक्त वो है किधर? वो प्रोफेसर के घर गया है, दोपहर को आएगा, आके मिल लेना। सुबह हम अभी बैंक को जाते और वहां से बहुत सा पैसा लेकर आता। हम इस चाल वालों का बहुत एहसान मंद है, जिसने हमारे छोटा सा मासूम भोला को पाल पोस कर इतना बड़ा किया। उसके लिए हम इस चाल का एक एक आदमी को 1-1 लाख रुपया कैश देगा। सच मैं भोला कसम। अच्छा अभी बैंक को जाता और पैसा लेकर आता है। सच भोला लाखपति बन गया? नहीं नहीं नहीं, मेरा भोला करोड़पति बन गया। एक मजे की बात सुनो, एक यतीम सा लड़का आज बना वो लाखपति, कल तक था जो कड़का। ये दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा, हर घड़ी में तोला घड़ी में मासा। ओ दुनिया खेल तमाशा, आज पराठे खाए कल था जो भूखा प्यासा। दुनिया ये दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा। बदले रंग सवेरे शाम, इस माया के 3 है नाम, परसू परसा परसराम। अरे इस माया के 3 है नाम, परसू परसा परसराम। है खाक कदर ऐसे वैसे की, हर देश में पूजा हो पैसे की। हो चाहे हो पटियाला भाई, चाहे हो मंबासा, सुन मुनिया ये दुनिया खेल तमाशा, हर घड़ी में तोला घड़ी में मासा। हो दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा। हमसे पूछा कौन है अपने रिश्तेदार, हमने उस
उसे हंस के कहा अब क्या बतलाएं तुझको यार। हमने उससे हंस के कहा अब क्या बतलाएं तुझको यार। जो अमीर है हमको ना पहचाने, जो गरीब है उनको हम ना जाने। है खुद गर्ज जमाना दीवाना अच्छा खासा, और दुनिया ये दुनिया खेल तमाशा। हर घड़ी में तोला घड़ी में मासा, ओ दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा। मैनू ते आवे हासा, पठन चुनिया ये दुनिया के तमाशा। घड़ी में तोला घड़ी में माशा, दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया के तमाशा। आज पराठे खाए कल था जो भूखा प्यासा, दुनिया के तमाशा, ये दुनिया के तमाशा, ये दुनिया के तमाशा, ये दुनिया के तमाशा। हाँ जी, बोला बाजार जा रहा है, साग भाजी मंगवाना तो मंगवा लो। अरे इतनी धूप में तू कहाँ जाएगा बेटा, अगर तुझे कुछ चाहिए तो मैं ला देती हूँ। मैं तेरे लिए सूट केस लाई हूँ। माँ जी, जब मेरे पास सूट ही नहीं तो केस लेके क्या करूँ। अरे उस लकड़ी के डिब्बे में चीजें खराब हो जाती है बेटा। माँ के गुस्से का बुरा न मानना, माँ को गुस्से में भी प्यार होता है बेटा। ये तो मैं जानता हूँ माँ जी। ऊंची बातों में ना आना, से लोग मुंह पे राम और बगल में छुरी लिए फिरते हैं, मौका मिलते ही तेरी चीजें साफ कर देंगे। इसलिए सारी चीजें इसमें रख के ताला बंद कर दे और चाबी अपने पास रख ले। लेकिन माँ जी, किसी ने ये सारा सूटकेस का सूटकेस ही गायब कर दिया तो। मजाक करना कोई भोला से सीखी। याद रखना बेटा, मैंने अभी अभी कहा था ना, दुनिया बहुत बुरी है। मीठी मीठी बातों में ना ना अरे बोले राजा, बोले राजा। ये कहाँ से बजा बाजा? राजा देखा, अलाराम घड़ी। ये अलाराम घड़ी लेके मैं क्या करूंगा? समय संपत्ति, एक एक क्षण बहुमूल्य है। और बहुमूल्य, इसलिए मैंने और तुम्हारी बहन जयश्री ने एक ऋतु उपहार में देना निश्चय किया है। क्या बात, आज मुझे भैंस पे भैंस मिल रहे। सुबह सुबह न जाने किसकी शक्ल देखी, कहीं आईने में मैंने अपनी शक्ल तो नहीं देखी। क्या हुआ? आखिर जो कोई भी कहते हो ना, मुझे गुस्सा आता ही है। मिट्टी के तेल की बत्ती भी पढ़ोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। इसलिए मैं तुम्हारे लिए टेबल लैंप लाई हूँ। और देखो, मैं तुम्हारे लिए जिलेबी लाई हूँ, अपने हाथ से बनाई है मैंने। जितना रस इस जिलेबी में है उतनी ही रसीली तुम्हारी जिंदगी बनने वाली है। उस दिन तुम्हारा प्रेम पत्र पढ़ के मैं जरा नाराज हो गई थी, उस बात को दिल में मत रखना है। लेकिन आजकल आजकल मैं वो हर दिन में 20-20 बार पढ़ती हूँ। प्लीज बोला जी, ऐसा मत देखिएगा। क्या हुआ? लाज आती है। लज्जा शर्म तो सब कुछ भूलकर पी गई। जवान लड़के को अकेला देखकर आगे आके बटका रही, कोई कहने सुनने वाला नहीं है ना। बोला बेटा, माँ जी चाय लाइन का बोला दादा,
भोला ये देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया है पंखा इसे ऑन करो और आराम से हवा खाते खाते सो जाओ है ये लो ये लो हमारो बहुत भारी बहुत कीमती है सिंगापुर दादा सिंगापुर क्या पर सिंगापुर पागला बोला बेटा चाय ठंडी हो रही है लो पी सिर्फ खाने पीने को दे देने से काम नहीं चलता है भोला जी दिए पास और जमीन पे सोते जीवन बाबू आपके बाहर गांव जा रहे हैं नहीं भोला जी ये बिस्तर मैं आपके लिए लाया ताकि अब आप आराम से सो सकें लेकिन भोला जी ये बिस्तर मैंने आपको दिया इसकी पब्लिसिटी मुझे नहीं रेणु तुम भोला जी से मिली हाँ हाँ रेणु आई भी थी और चली भी थी अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ लो बेटा चल भोला भोला चाय मत पियो चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हॉर्लिक्स पियो हॉर्लिक्स ये लो हॉर्लिक्स हॉर्लिक्स और इसमें गर्म पानी जब मर्जी हो हॉर्लिक्स मिला के पी लेना है ये लो अरे अरे बहन ये तुम क्या कर रही हो भोला ने अभी चाय पी है भोला बेटा ऐसे वैसे लोगों के हाथों की चीजें नहीं पिया करते अच्छा बहन बोलती है और फिर ऐसे वैसे बोलती है बड़ी महारानी आई हाँ हाँ हूँ महारानी बोला हाँ देखती हूँ बोला मतलब ठीक है ठीक बोला अभी मैं दिखा देना ठीक ना बोला ना मैं देखती हूँ किसी की भोला का दम घुट रहा है भोला जी का दम घुट रहा है भोला का दम घुट रहा है भोला को पानी पिलाओ भोला पानी आया आया बेटा पानी 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 तू कह रही भोला को पानी पिलाने वाली हाँ भोला मेरा बेटा तू चुप कर तू मुझे जरा कर नहीं सिखा न जाने ये आजकल के इंसान जानवरों की तरह क्यों लड़ते हैं अरे तू घर के अंदर क्या कर रही है बाहर जा भोला से बातचीत कर उस दिन तो कह रही थी बाहर गई तो टांगे तोड़ दूंगी आज कहती है घर में क्यों बैठी है बाहर जा भोले से बात कर तुझे तो जरा भी अक्कल नहीं है पागल कही पागल मैं तू तो जाती है या नहीं नहीं हरगिज नहीं ओए भोलिया और तू तो भोले से बादशाह बन गया ये माजरा क्या है माजरा या बाजरा कुछ नहीं प्राची अब मैं लखपति बन गया हूँ ओए लखपति हाँ लखपति प्राची ये लीजिए 50 और ये काय के लिए प्राची अब आपका भोला फटे हाल नहीं बल्कि माला माल हो गया है वैसे आपकी ये घड़ी मैंने बहुत इस्तेमाल की है जिसका बहुत बहुत शुक्रिया अब मुझे ये घड़ी फोकट में नहीं चाहिए ओए लखपति दे पुत्र ओए तू दोस्ती को पैसे से तोलता है प्राची पैसे से तो आदमी दोस्ती प्यार सब कुछ खरीद सकता है लीजिए 50 ओए रख लो ना 50 और तेरी ये जरूरत बदमाश बदमाश कहेगा कहिए ना प्राची बदमाश कहेगा हाँ कहिए ना प्राची नहीं कहूंगा समझ गया अब तू मुझे चिढ़ा के मेरे मुंह से बद वो कहीं का कहलाना चाहता है नहीं कहूंगा प्राची एक बार और कभी नहीं कहूंगा लेकिन बोलिया ये 10 के ये सब क्या है प्राची मेरी किस्मत खुल गई मैं लखपति बन गया हूँ मुझे सब कुछ मिल गया बल्ले 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 लेकिन एक चीज नहीं मिली वो क्या नींद चैन की नींद बोलिया यही तो पैसे के करामात है और जब पैसा आता है चैन चला जाता है नींद उड़ जाती है लेकिन प्राची ये दुनिया वाले भी अजीब है गुड़ के ऊपर मक्खी की तरह मंडलाने लगते हैं देखिए ना मुझे कितने तोहफे दिए चाल वालों ने तो भाई कमाल है एक ही दिन में सबकी नजरों में तेरी इतनी कदर हो गई वाह लेकिन प्राची आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया क्यों और ये सब तेरे पेओ ने देते रहे और ये सब के सब तोहफे मैंने दिलवाए हैं आपने कहाँ दिलवाए ये तो चाल वालों ने दिए वो भी मेरे लखपति बाप का मुंह देखकर भाई कौन से लखपति बाप का ये तो मैं भी नहीं जानता प्राची लेकिन सुना है कि वो सिंगापुर से आए हैं सूट बूट वाले हैं सिंगापुर से आए हैं सूट बूट वाले हैं ओए ठहर तू ओए बोलिया ओए बचानिया कौन है कौन है ये तेरा सिंगापुर वाला बाप हाँ बोलिया ये जो सब सूट बूट में होते हैं ना ये सिंगापुर के लखपति नहीं होते और ये तेरा बाप नहीं मेरा क्लीनर है क्लीनर जग्गू ये ड्रामे में मजनू के बाप का काम करता है मैंने कहा एक दिन भोले का बाप बन जा बनाने चिट्ठियां लेने सताने कौन आता है कैसा बोला ओए ओए आओ चाल वाले हो
और बाहर निकलो अपने अपने डरबों में से। ये लो देख लो आ गया तुम्हारा सिंगापुर वाला लखपति, जो तुम सबको एक एक लाख रुपया देने वाला था। आओ 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 ले लो लाख रुपया, चल गया आजा ले लो, बाहर ट्रक में भरे पड़े हैं एक एक के नोट। सीधा रख गया हॉलिक ज्यादा शक्ति देता है, हॉलिक ज्यादा शक्ति देता है, हॉलिक ज्यादा शक्ति देता है। बोला जब से घड़ी मैंने तुझे दी है ना, वो जयश्री है ना माजी बाई को गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती है, ये घड़ी उसके मुंह पे फेंक देता हूँ, मुंह पर ही फेंकना। हाँ मुंह पर। खबरदार जो मुझे कभी प्रेम पत्र लिखा तो मुकद की जिल ले भी खाता है। सिंगापुरी, अरे बंडलपुरी। तू सही है ना? नहीं। तो कैसे कर जाती है? ओए लखपति अकथू। बोला मैं भार्गव जा रहा हूँ। हॉलिक को हम लेके जाता है, हॉलिक को हम लेके जाता है, हॉलिक। मेरे जाट से ये सब चीजें कहाँ गायब हो गई? जहाँ से आई थी वहीं चली गई। और तू फिक्र ना कर, ये देख तेरे लिए मैं क्या लाया हूँ, दिल्ली का टिकट। टिकट तो ठीक है प्राची, लेकिन पहले ये बताइए आपने मेरे साथ ये कड़वा मजाक क्यों किया? और पोलिया तेरे साथ नहीं, ये मजाक तो मैंने इन चौल वालों के साथ किया है। और पोलिया मेरा असूल है कि लालची आदमी को पैसे का लोभ दे के उन्हें बस्त कर लो, और बेवकूफ को झूठी तारीफ करके, और अकलमंद को सच बोल के। समझे आई? मैं कुछ नहीं समझा प्राची। पहले आप ये बताइए कि ये झूठा नाटक रचाने की क्या जरूरत थी? ओए नाटक मैं नहीं रचाया, ये नाटक तो गौरी ने नचाया, मैं तो सिर्फ खेल लिया है। गौरी? हाँ, गौरी ने। गौरी मैं तुम्हें एक दिन का सुल्तान बनाना चाहती थी, उन लोगों से तुम्हारी सेवा कराना चाहती थी। शेर सिंह भैया ने मेरा साथ दिया, मैंने उन लोगों से बदला लिया है, एक एक से बदला लिया है। उन सबको तुम्हारे आगे नाक घिसते देखकर मुझे मालूम हुआ कि दुनिया कितनी पतली है। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं पागलखाने से कभी बाहर नहीं आती, कभी नहीं आती। गौरी तुमने ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। अच्छा तो बदला लिया है तूने? बगा बगा कैसे उल्लू बनाया हमको? हाँ। इसे तो मैं मजा चखाऊंगी। मिया मौसी, हेलो मिया मौसी। अरे मौसी को क्यों बुलाती हो, उन्होंने भी तो धोखा खाया है। आज तक एक थाली के बैंगन है बैंगन। चोरी? ये सब तूने किया, अपने माँ को भी धोखा दिया। बोल अब जवाब क्यों नहीं देती? ये क्या जवाब देगी, ये तो पगली है। हाँ पगली, पगली पगली, बिल्कुल पगली। बंद करो ये शो, बंद पगली। गौरी पगली, मैं कहता हूँ आप सब पागल हैं जिन्होंने मुझे लखपति का बेटा समझा। आप लोगों में से किसी ने ये मालूम कराने की कोशिश की कि ये बात सच है या झूठ? नहीं, लखपति सुनते ही सब मक्खी की तरह मेरे इर्द गिर्द झिलझिलाने लगे, मेरी सेवा करने के लिए मुझे मक्का मारने के लिए आपस में झगड़ने लगे। कल तक तो मेरा अपमान करते और आज सब मिलकर मेरा सम्मान कर रहे हैं। आपको देखिए मैडम जिलेबी, अचानक इनके लिए मैं खूबसूरत बन गई, मुझे जिलेबी खिला रही है, मेरी आंखों में देखते मुझे शर्म आती। और माँ आपके दिल में बेटे का प्यार ममता बनकर टपाटप टपाटप टपकने लगा है। अरे तुम्हें और भाव था, हार चांगला मानो था, मेरी हर बात पर आपको हंसी आती थी ना, अरे तुमकी बारिश को मेरी सेहत का कितना ख्याल रखती है।
हालत क्यों हालत? मैं कहता हूँ गौरी नहीं बल्कि आप सब पागल हैं, पागल है पैसे के, पागल है लाल की। आप लोगों ने गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर गौरी को पागल कहा और गौरी ने खामोश रहकर बिना कुछ कहे आप लोगों को पागल साबित कर दिया। अब बोलिए कौन है पागल, आप लोग पागल हैं या गौरी पागल है? बोलो। शाबाश भोला शाबाश, तुम्हारा जवाब भोला तुमने अच्छी तरह बता दिया हम लोग पैसे के लिए कैसे पागल बने थे। अरे तुम लोग अभी तक यही खड़े हो, चले जाओ ऐसे। बाबूजी, बाबूजी, जीवन क्या बात है बेटे? बाबूजी बीती बातों पर पानी डालिए, दरअसल गलती हमारी थी, हम गौरी को पागल समझते थे और पागल हम ही निकले। बाबूजी अब मैं गौरी के साथ शादी करने तैयार हूँ। बेटे ये तुम जो कुछ कह रहे हो सच कह रहे हो? जरा एक बार फिर कहो बेटे। देखिए मैं जो कुछ कहता हूँ सिर्फ एक बार कहता हूँ और साफ साफ कह देता हूँ। तो बेटे बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना, चाय पीती हो। चाय वाय छोड़िए, अब तो शादी की दावत ही खाएंगे, अब शादी की तैयारी की। पर बेटे अगर आपने दहेज वहेज की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ अच्छा बाबू जी। बेटा मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ, जीवन अब गौरी से शादी करने के लिए तैयार। हाँ बेटा, और इसका कारण तुम हो, क्योंकि तुमने सबके सामने साबित कर दिया कि मेरी बेटी गौरी पागल नहीं है बल्कि बिल्कुल ठीक है। बेटा आज तुम्हारी वजह से गौरी को जीवन मिल रहा है, एक नया जीवन मिल रहा है। बेटा भोला तुम हमारे लिए एक मामूली इंसान नहीं बल्कि देवता समान, भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटा, सदा सुखी रखे। सुना बेटे तूने, जीवन तुझसे शादी करने को तैयार है, वो खुद आया था, मेरी तो जान में जान आ गई। अरे तू हंस क्यों रही है, तुम्हारी जान में जान आ गई और मेरी जान निकल गई, क्या बकवास कर रही है? चिल्ला नहीं माँ, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ भोला से। क्या क्या कहा तूने, फिर से तो कह, तेरी हड्डी तो तोड़ दूंगी। माँ मैं कहती हूँ सुनते हो? हाँ बोलो ना। गौरी एक नई मुसीबत खड़ी कर रही है। मुसीबत? कहती है शादी करूंगी तो सिर्फ भोला से, मैं समझाने गई तो बर्तन हाथ में ले लिया। एक तरह से उसका भी कहना ठीक ही दिखता है, क्यों नहीं भोले ही से उसकी शादी कर दे। अरे तुम भी पागल हो गए हो क्या, भला भोला से जीवन को तोला जा सकता है? अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, तुम भी बनी बनाई बात बिगाड़ रहे हो। अच्छा अच्छा तुम फिक्र न करो, मैं भोला से मिलता हूँ और उसी से गौरी को समझाने कहता हूँ। ये बात हुई ना, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। आज तक मैं गाना गा के तुम्हें बुलाया करती थी लेकिन आज तुमने। हाँ गौरी आज तुम्हें बुलाने के लिए मैंने गाना गाया क्योंकि आज फैसले का दिन है ना। मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि तुम फैसला कर रहे हो। ये लो चूड़ियाँ। अरे चूड़ियाँ, ये तो मुझे बहुत पसंद है। और ये गुलाब का फूल जो तुम्हारी तरह मुस्कुरा रहा, ये भी मुझे बहुत पसंद है। बोला तुम्हें पहना दो ना, आज क्या बात है तुम मेरे लिए वो सब चीजें लाए हो जो मुझे बहुत पसंद है। गौरी गौरी मैं चाहता हूँ तुम बहुत बहुत खूबसूरत लगो। क्यों बोला ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि आज हमारी आखिरी मुलाकात। गौरी तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ, अपने प्यार को भुला दो। बोला तुम क्या कह रहे हो तुम? गौरी हमारा प्रेम जबरदस्ती हमें एक दूसरे के करीब ले आया था लेकिन अब जुदाई का वक्त आ गया। जुदाई? ये बात तुम्हारे मुंह से निकली कैसे? इसलिए कि मुझे निराशाओं से खेलने की आदत, मेरी जिंदगी में अरमानों की गलियां खिलने से पहले ही मुरझा जाती हैं। ये आशा निराशा अरमान फरमान की भाषा मुझे अच्छी नहीं लगती बोला। लेकिन तुम्हारे पिताजी को जो अच्छा लगता है वही अच्छा। जीवन बाबू अच्छी नौकरी पर अच्छी तनख्वाह मिलती है, तुम्हें जिंदगी के सारे आराम दे सकते हैं। मैं क्या दे सकता हूँ, एक वक्त का खाना जुटाना भी तो मुश्किल है मेरे लिए।
मेरे पिताजी ने कहा कि तुम इतनी देर रहने से मेरा दिल तोड़ने वाली बातें कर रहे हो। एक बात बोलूं गौरी? बोलो। अच्छाई और बुराई की लड़ाई में अच्छाई की जीत होती है, सच और झूठ के झगड़े में सच की विजय होती है, लेकिन दिल और पेट की लड़ाई में हमेशा पेट की ही जीत होती है। जिन्होंने आज तक मेरा पेट था, वो मेरे सामने आकर हाथ फैलाए तो मैं उन्हें ना कैसे कह सकता हूं। तुम्हारे पिताजी की इच्छा पूरी करना ही मेरा धर्म है। मुझे भूल जाओ गौरी, मेहरबानी करके मुझे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं जब मैं बुराई और बदनामी के सैलाब में डूब रही थी? तुम्ही ने तो मुझे बचाया था। मैंने तुम्हें बचाया सिर्फ इसलिए शादी की तमन्ना करूं? ये कैसे हो सकता है? नदी का फूल राहगीर को इस पार से उस पार पहुंचाने में मदद करता है, लेकिन वो खुद जहां का वहीं रह जाता है। राहगीर के साथ उस पार जाने की तमन्ना वो थोड़ी कर सकता है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ गौरी, मैं नौकरी के सिलसिले में दिल्ली जा रहा हूँ। तुम जीवन के साथ शादी करके अपना जीवन सुखी कर लेना। ठीक है, तो फिर तुम्हें भी मुझे एक वचन देना होगा। क्या? यही ना कि मैं भी किसी लड़की के साथ शादी करके अपने जीवन को सुखी बना लूं? नहीं भूला नहीं, अगर मुझे मजबूर होकर तुम्हें भुला देना पड़ा तो भी तुम मुझे मत भूल जाना। तुम्हारे दिल में जो मेरी जगह बन चुकी है उसे दूसरी कोई लड़की नहीं दे सकती। कभी नहीं भूला, कभी नहीं। अरे सुना तुमने? ये नीला मौसी बड़ी होशियार है। गौरी की शादी जीवन से चुपचाप कर रही है। ये देख विजिंग कार्ड, लग्न पत्रिका। लग्न? हाँ। होने दो, होने दो। लेकिन एक बात देखी तुमने? क्या? पहली बार इस चाली में शादी हो रही है और भोला यहाँ नहीं है, दिल्ली गया है। इतनी सी बात तेरे समझ में नहीं आती? अरे मौसी तो इसी के इंतजार में थी कि भोला यहाँ से जाए तब गौरी की शादी करें। हाँ लेकिन क्यों? लगता है भोला और गौरी में कुछ भी घोटाला था। घोटाला? अकबर भाई। हाँ, धीरे से बोल। घोटाला हो या गड़बड़ हो, हमें उससे क्या? विघ्नेश पर पूजाम करिए, गजानन पूजाम करिए, कन्या को बुलाइए। अभी लाया ना? ये सब वातावरण देख के मुझे अपनी शादी की याद आ रही है। तो कितनी सुंदर लगती थी तू। और आप? अब भी सुंदर लगती हो। हाँ। सुंदर। मुझे थोड़ा पानी चाहिए। अरे कोई पानी लाओ जल्दी। अब बैठो। मैं कहती हूँ खड़े हो जाओ। क्या बदतमीजी है ये? ये सब क्या है बाबूजी? गौरी ये क्या कर रही है बेटी? मुझे दूल्हे राजा से कुछ बातें करनी है। क्यों जी? उस दिन तुमने मुझे पगड़ी कहकर 15,000 रुपए मांगे थे ना? अब क्या मांग रहा हूँ? तब मांगे थे या नहीं? हाँ मांगे थे, तो क्या हुआ? उस दिन अगर तुमने कहा होता कि ये लड़की पगड़ी है, मैं इससे शादी नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें एक सज्जन मानती। लेकिन तुम्हें अगर हम 15,000 रुपए दे देते तो तुम एक पगली से शादी करने को तैयार थे। पागल तक तुम हो, पैसे के पागल। अब मैं कहती हूँ अगर तुम 15,000 रुपए दोगे तो ये शादी होगी। क्या कहा? बोलो, देते हो 15,000? क्या नहले पे पहला मारा है? वाह गौरी बेटी, ये तो क्या कर रही है? हमारे सौदे के बीच में कोई ना बोले। बोलो, करते हो शादी? ये शादी नहीं, बर्बादी है। मेरा अपमान है, अपमान का बदला लेके रहूंगा। पिताजी, इधर देखिए क्या हो रहा है। शादी हो गई, चलो खाना खाने। खाना खाने नहीं, जूते खाने। हमारे घर पे जूते पड़े हैं। क्या कहा? जूते पड़े हैं? दीनदयाल जी, मैं मानहानि का दावा करूंगा और जितने जूते पड़े हैं उतने पेपर लूंगा, उतने लूंगा। अपन लाल जी, मानहानि का दावा बाद में करना, पहले अपने बेटे और बेटी के सुधारने का दावा करो। और जो कुछ बच गया है लो, पढ़ते चले जाओ। चलो तुम सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, ये शादी नहीं होगी। जाओ।
अरे भाई सुनो सुनो, ठहर जाओ लोगो। आज तक तुम लोगों ने हिंदुस्तानी लड़कियों की मर्दानगी की कहानियां सुनी होंगी, किताबा च पढ़ी होंगी, लेकिन आज अपनी आंखों से उनकी मर्दानगी देख लो। आज इंदिरा कुड़िए, बस हो चुका, चलिए पिताजी और आप सब भी जाइए। चलो बेटी फोटे। सॉरी बेटी, ये क्या किया तूने? ये क्या किया तूने? पिताजी आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं फिर से पागल हो गई? नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। तो बेटी, ये सब जो तूने किया होश हवास में किया? हाँ पिताजी, इन पैसे के पागलों के होश हवास ठिकाने लगाने के लिए, ठीक है ना? हाँ बेटी। मुझे तो पगली की डिग्री पहले से मिल चुकी थी, इसलिए मैंने पगली की एक्टिंग करके इन सबको सबक सिखाया है। मैंने कोई गलती तो नहीं की? नहीं बेटी, तूने कोई गलती नहीं की, तूने कोई गलती नहीं की बेटी। क्या करता मनोहर लाल? अपनी बेटी पे हाथ उठाता है, होश में है कि नहीं? मैं होश में हूँ शेरसी, ऐसी लड़की का मर जाना अच्छा है। अरे क्या क्या तकलीफें नहीं उठाई मैंने इसके लिए, इसकी जिंदगी मेरी जिंदगी के लिए बोझ बन गई है। मैं बाप हूँ इसीलिए सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये ना भूल, अपनी लड़कियां क्या क्या बर्दाश्त करती हैं, इनके हिस्से में जो भी दुख आता जिंदगी भर चुपचाप सह लेती हैं। देख ली इसकी बर्दाश्त, इससे अपने बाप से ज्यादा अपने उसूल प्यारे हैं। सच कहता हूँ, ये जिस दिन मर जाएगी उसी दिन मैं सुख की सांस लूंगा। अब मैं तुझे इस पर हाथ उठाने नहीं दूंगा। अगर ये तेरे लिए बोझ बन गई है तो मैं इसका बोझ उठाने के लिए तैयार। मैं इससे राखी बंधवाऊंगा, इसे अपनी बहन बनाऊंगा। शेर सिंह, हाँ मनोहर लाल, तेरी बेटी बड़े नसीबों वाली है। मैं अपनी बहन की शादी किसी बड़े अच्छे लड़के के साथ करूंगा, हीरे के साथ करूंगा। और तुम लोगों ने मेरे भोले को पहचाना ही नहीं, पत्थर समझते रहे। अब वो दिल्ली गया है, बड़ा ऑफिसर बनकर आएगा, और अब तुम लोग कुछ भी कहो, मैं अपनी बहन की शादी भोले के साथ करके ही रहूंगा। शेर सिंह, आज तक हम सब तुम्हारी ताकत के सामने सर झुकाते रहे, और आज तुम्हारी अक्ल के सामने सर झुकाते। बाबूजी, मुझे शर्मिंदा ना करो, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, जैसा मैं आदमी वैसे मेरी अकल। शेर सिंह बेटा, रोय तू फिक्र ना कर, देखना मेरा पोला किस ठाट बाट के साथ आता है। पोला आ गया, पोला आ गया। बाबूजी, पोला आ गया। ओ पोलिया, ओ आ जा, तेरी बड़ी लंबी उम्र, आ जा। पोला माँ, मेरा पोला आ गया। अरे पोला तू, पोला आ गया तुम्हें? अरे इसके कपड़े तो देखो। बाबूजी किस तरह पोलिया? ओ पोलिया, तेनू तनख्वाह की मिल रही है? 1000 रुपया। ओए 100-100 के 10 नोट? साल के नहीं, 1 महीने के। अब बल्ले बल्ले बल्ले, सुनिया जी, शेर सिंह ने शेर। इस तरह इधर उधर क्या देख रहे हो? दुल्हन को देख रहा हूँ, आज गौरी की शादी है ना, उनके लिए मैं तोहफा लाया हूँ। आप सबके सामने ये तोहफा उनको दूंगा। और ठहर, ओए तू की तोहफा देगा? हाँ बेटी, हाँ। और तेरे तोहफा देने से पहले मैं तेनू एक तोहफा देता हूँ। राजी, गौरी की शादी का क्या हुआ? सगाई की तरह लगन भी टूट गया। क्या बोलिया? जिसकी अमानत उसके हवाले करके मैं अपनी जिम्मेदारी से छूट जाऊंगा। चल संभाल। नहीं प्राची, प्राची आप मुझे उलझन में डालना है। ओए ये उलझन है? वहां मैंने एक लड़की से शादी कर ली, रजिस्टर मैरिज। बोले इससे प्यार करने के लिए तूने मुझसे सलाह ली, बल्कि इससे प्यार किया, और अब तो दिल्ली जाकर बड़ा अफसर बन गया, पैसे की चमक देखकर अपने प्यार को भूल गया, लालच है तुझ पर। नहीं नहीं प्राची, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। बोला मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे दिल में जो मेरी जगह बन गई है तो कोई लड़की नहीं ले सकती, मैंने यही कहा था ना? हाँ हाँ गौरी, तुमने कहा था, लेकिन तुमने ठीक तरह से नहीं कहा था। देखो गौरी, जो होना था सो हो गया, अब आप सब मिलकर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी खुशी को अपनी खुशी समझिए। माँ जी, बाबू जी, मुझे और मेरी पत्नी को आशीर्वाद दीजिए, वो मेरे साथ आई है। सुनो पुष्पा, आओ, ये सब अपना ही परिवार है, बाबूजी से आशीर्वाद लो। शर्माओ नहीं, आशीर्वाद लो ना पुष्पा,
ये क्या बदले थे? आज लो आप लोग। मैं तो विवेक हूँ। बोलिया, तेरी इस थोड़ी देर की शरारत ने हम सबके होश उड़ा दिए थे। बदमाश कहीं का मारा प्राची को। अब दिया ना आशीर्वाद। प्राची बदमाश कहीं का सुनने के लिए मैंने ये सब नाटक किया। ये आशीर्वाद एक बार क्या, मैं तुझे लाख बार दूंगा। अब जल्दी से मंडप में बैठ जा, नहीं तो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। नहीं प्राची, मैं मंडप में नहीं जाऊंगा। क्यों? बोला कि शादी होगी तो सीढ़ियों के नीचे। वो है सीढ़ियों के नीचे। चल जैसी तेरी मर्जी, ताटे पे होना की जाएगा। Thank you.